एवरी वन प्लीज बी सीटेड आई रिक्वेस्ट टू ऑल डेलीगेट्स प्लीज हेप द चेयर माई सेल्फ गोपाल खेतान ऑन बिहा ऑफ भिपका आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन सेशन टू इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन वी हैव टू स्टॉल वर्ड ऑफ द कैपिटल मार्केट्स एम एस टू दिस टॉपिक्स इज एट ऑल टाइम हाई लेट्स Lots of us have made profit in the past few years and are now confused whether we should continue investing or not. The developed world is facing recession and India stands out as the only shining economy. To help us to understand the current scenario, we have two great speakers with us, to Mr. Basan Mahesuri and Mr. Sandeep Jain. Please give lots of hands to, uh, to our guest speakers. I request to see Nitish Mol to escort the guest speaker. Mr. Basan Maheshwari ji and Mr. Sandeep Jain. Please, sir. Thank you, sir. Our guests don't require introductions. However, profile is displayed on the screen of oh, Basan Maheshwari ji. Basant Maheswari Ji is co-founder and partner of Basant Maheswari Wealth Advisor LLP. Basant Maheswari is a commerce graduate from St. Javier's College and also the course accountant. He has a vast experience of 22 years. He is a regular commentator on various media channels like CNBC, NDTV, Profits, ET Now and many more. I welcome Basant History Sir in our program. Second speaker is our Mr. Sandeep Jain, Kumar Janji, he is the co founder of TradeSwift, a leading full fledged broking house in India. He is a very well known face, featuring on various business channels like G, -E, G News, CNBC Awaj, TV18, Burnberg Quiet, Print Media, and many more. I welcome him with folded hands in our <laughs> sessions. Please give a round of applause to him. I request to CA Pankaj Khetanji to offer the bouquet. टू बसंत महेश्वरी जी आई रिक्वेस्ट ये कविंदर चौधरी जी टू ऑफर द बुके टू मिस्टर संदीप जैन जी ंदर जी नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर बसंत महेश्वरी जी टू स्टार्ट प्लीज हेलो एवरीवन जब मुझे पता चला वी आई पी सी ए है सो आई जस्ट रियलाइज कि इतना बड़ा कम्युनिटी है पता ही नहीं था बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन कैलकाटा सॉल्ट लेक सो वेरी क्लोज टू वी आई पी आई बीन फॉलोइंग कमिंग बैक सो सच ए नाइस थिंग टू बी हि तो पहली बात है शेयर बाजार की बात है स्टार्ट विद द मार्केट एवरीवन वांट्स वॉन्ट्स टू बी रिच सबको अमीर होना है बट नोबडी वांट्स वॉन्ट्स टू टेक द रिस्क प्रॉब्लम वही आती है कि रिस्क नहीं लेना बिना रिस्क लिए अमीर कैसे बने तो एक बात है बिना रिस्क लिए कोई अमीर नहीं हो सकता दो ही ऑप्शन है किसी का इनहेरिडेट हेरिडिटरी कहीं पैसा मिल जाए इनहेरिटेंस में पैसा मिल जाए या आप किसी अमीर लड़की से शादी कर लें <laughs> तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है और uh, बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि किसी ने पांच हजार से स्टार्ट किया चालीस हजार करोड़ हो गए ये हो गया वो हो गया लेकिन वो पांच हजार से जब स्टार्ट किया और जब तक वो पांच करोड़ पहुंचा कितनी रात गई होगी कि वो जीरो हो सकता होगा कितनी रात जाती है कि वो जीरो हो जाए माइनस में आ जाए डेबिट में आ जाए तो लेकिन वो पता नहीं चलता बिकॉज बाय द टाइम यू एक्चुअली मेक मनी पीपल डोंट लुक अप टू यू एंड आई कैन स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैड टू बिग हिट्स इन माई लाइफ

इट इज टू कॉस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज की ग्रैंड में एक इवेंट होएगा तो आप जा सकते हो तो ग्रैंड में इवेंट जाने का दो कारण था फर्स्ट यू वुड मीट द एक्सपर्ट्स देर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पीपल लाइक आस हु आर सिटिंग ऑन दिस साइड वी वीज टू बी सिटिंग ऑन डैट साइड एंड देर वॉज दस थिंग आई डोंट नो हाउ डोंमनो ऑफ यू हैव गॉन टू ग्रैंड वो जो चाय देते हैं ना वो कप बहुत बड़ी होती है सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि बड़े वाले कप में चाय मिलेगा बट आज के दिन यू डोंट हैव टू वेट ट्वाइस इन अ ईयर टू मीट पीपल दर इज ट्विटर देर इज फेसबुक दर इज इंस्टाग्राम ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट वाले ज्यादा ट्विटर पर हैं यू कैन गेट ऑल द गन फ्रॉम देम फॉर फ्री बट द प्रॉब्लम इज ऑफ टू मच ग टू डे सो द थिंग इज लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स वट टू डू एंड वट नॉट टू डू द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू नो वॉट यू हैव टू बीट सो नाइंटी परसेंट ऑफ द पीपल डोंट नो द काइंड ऑफ रिटर्न दे वॉन्ट टू मेक इन द मार्केट सो इफ यू वॉन्ट टू मेक ट्वेल्व परसेंट थर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट बिकॉज योर अल्टरनेटिव इज फिक्स डिपॉजिट्स देन इतना मगजमारी नहीं करने का है अभी से अभी तो आई एज्यूम यहां नहीं देख रहा होगा बट स्टिल तो आई कैन गिव यू सम स्टॉक्स इफ यू वॉन्ट टू मेक फिफ्टीन परसेंट सी ए जी आर थर्टीन परसेंट सी ए जी आर फॉर टेन ट्वेंटी थर्टी ईयर्स ऑफ टाइम एंड आई विल भी कमिंग टू कैलकाटा बिकॉज माई होम टाउन इज ईर यू कैन ऑलवेज कैच मी सो देर आर थ्री फोर स्टॉक्स यू कैन बाय एंड जस्ट कीप इट यू विल मेक ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन परसेंट वन इज अल्ट्राटेक बोले गए सर अल्ट्राटेक सुनने के लिए आपको थोड़ी बुलाए थे बट बारह तेरह परसेंट रिटर्न के लिए अल्ट्राटेक बजाज फाइनेंस कोटैक बैंक डी मार्ट काफी है उसके ज्यादा आपको चाहिए नहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं करना लाइफ में इफ यू वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल विच इज एटीन नाइनटीन परसेंट सिक्सटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी परसेंट के लगभग वहां पर फिर आपको थोड़ा सा डाउन द लाइन आना होगा यू विल हैव टू लुक एट मे बी मे बी नॉट नॉट रिकमेंडेशन अगेन मे बी समथिंग लाइक समीवी पेज इंडस्ट्रीज जो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है अभी तक आपको बॉल नजर आ रही है कि बॉल गिर के थोड़ी घूम रही है लेकिन आपको बैट से दिख रहा है कहाँ घूम रही है अगर आप बोलते हैं कि मुझे तो सर पांच लाख रुपया लाना है और मुझे बनाने दो करोड़ तो क्या करूं फिर तो आपको शाहीद अफरीदी बनना पड़ेगा लगी तो लगी नहीं लगी तो बैड लक दैट इज द प्रॉब्लम एरिया एंड देन यू यू हैव टू टू डू वी हैव हैव सो दैट पीपल हु कम ईयर विद्स एंड दे टू मेक वन करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव सेवन अ पीरियड ऑफ सेवन डेज और मंथ्स और वीक्स सो वॉट यू डू इफ यू टू मेक एक करोड़ पांच लाख से विच इस्वेंटी एक्स सो फर्स्ट थिंग ट्वेंटी एक्स का फंडा ये है टेन टाइम्स इन टेन ईयर्स इज ट्वेंटी सिक्स परसेंट थर्टीन टाइम्स इन टेन ईयर्स इज अबाउट थर्टी परसेंट ट्वेंटी टाइम्स इन टेन ईयर्स इज अबाउट थर्टी फाइव परसेंट सी एच जी आर सो थर्टी फाइव परसेंट सी आर करने के लिए दस साल में आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कम से कम ट्वेंटी फाइव परसेंट अर्निंग्स ग्रोथ करे सो वॉट नॉट टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट सो व्हाट नॉट टू डू इज दस साल में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट टॉपलाइन बॉटम लाइन ग्रोथ रेयरिटी है होता ही नहीं है यू हैव टू कीप स्विचिंग हॉर्सेज ये हंड्रेड इंटू फोर का रिले रेस है वेर एक प्ले एक रनर भागा उसने बैटन दूसरे को दिया फिर दूसरा तीसरा तीसरा, तीसरा चौथा को क्योंकि एक कंपनी दस साल तक पच्चीस परसेंट ग्रोथ नहीं कर सकती एच डी एफ सी बैंक एक आउटलायर था बट पीपल डोंट वाई बिकॉज अगर एक आदमी इतनी ग्रोथ करती है देर इज सो मच ऑफ स्केयर्स कैपिटल इन द वर्ल्ड डट फाइव टेन ट्वेंटी थर्टी कॉम्पिटिटर्स विल कम राइट अवे और आपका बाइंग प्राइस हैज़ टू बी लो सो पीपल से बाइंग प्राइस से नहीं करना है भाव बढ़ रहा है तो ठीक है लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और आपने सस्ता लिया है तो मेन पैसा वो जो पी एक्सपेंशन -E होता है उसका बनता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंपनी लिया है जो दस के पी -E पे आपने लिया है और जो ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ करती है एंड सो इफ अ कंपनी इज ग्रोइंग अ ट्वेंटी फाइव परसेंट द फर्स्ट थिंग यू डन इज बॉट इट एट अ टेन पी सो यू बॉट चीप क्स तो पैसा वहीं बन गया और ट्वेंटी फाइव परसेंट में तीन साल में पैसा डबल हुआ तो तीन साल में अगर अर्निंग्स डबल हुई और पी एक्सपेंशन सिक्स टाइम्स हुआ सो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व टाइम्स पैसा ऐसे ही धर्माधर्मी बनता है बहुत आसान से लगता आसान है लेकिन बनने के पहले तो प्राइस माइट कम डाउन इट माइट गो अपट ब्रॉडली इफ यू लोकेट इट देर आर स्कीम्स टू फॉलो What kind of companies cannot grow at 25% for the next five years? A metal company cannot grow at 25% for the next five years. A chemical company cannot grow at 25% for the next five years. A real estate company cannot grow at 25% for the next five years. Logically, what can grow? A finance company maybe can grow. India, there is a history of having good finance companies, a group finance which grew at 30% for, I think, 10, 12, 13, 14 years. HDFC Bank grew at... 30%, then 28, then 25, then 22, then 20, then 18, then 15. So HDFC Bank last 35 years, the growth has slowly come down. So the thing is, if you have a good company, the growth normally does not come down from 30% to 15% straight on. Normally 30 to 28, 28 to 26, 26 to 24, both easily up so a chance So finance company can grow,

Then I have created this environment where I don't let people come in. So either you have to protect your profits, which is more, you, don't, you create entry barriers. You don't let people come in, or the scale of opportunity is so huge that in a finance business. So finance in India in the next five years, ten years, there has to be there will be tremendous growth. Why? India's per capita GDP is two thousand dollars, twenty two hundred dollars so what, the difference in $2200 per capita and the difference in $1500 per capita is at $2200 you have the ability to save money so the moment you save you go to a banker he gives you loan because he sees from your balance sheet that you can save money and with that loan the bank makes further profit so there is a huge credit market expansion that happens once the economy goes from $2000 to $5000 which happened in america in the 1970s तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस डिट डू वेल कमिंग बैक टू इट ट्वेंटी फाइव परसेंट हमको ग्रोथ कहाँ मिल सकता है सो so कंज्यूमर में मिल सकता है फाइनेंस में मिल सकता है आई टी टेक्नोलॉजी में मिल सकता है बट देन यू हैव टू बाई चीप इफ़ यू बाय अ ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ कंपनी एट अ फोर्टी पी तो पैसा स्ट्रगल से बनेगा पैसा नहीं बनेगा तो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है uh, जो नेक्स्ट फाइव ईयर्स तक शायद ट्वेंटी परसेंट से ऊपर ग्रोथ कर पाए बट अगर आप उसको सस्ता नहीं लोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे आपको लेना सस्ता है वो Importantly, how much do you allocate is more important. So if you've got a 2% allocation to this company, then it doesn't make a difference. I mean, you have to have a huge allocation to this company, which is growing at 25% every year. So allocation means Now, hi last history ab jaake Cement or steel, mein the differences in cement, it's, it works like a cartel basically so you cannot have cement coming from China you don't have too much of government control because the entire market is controlled by two three four different companies or different uh, managements in steel in the, or in other metals you have this problem of import so coming back to it these are the types of बिजनेसेस डेट विल मेक यू मनी तो अगर आपको लग रहा है मैं एक पेपर कंपनी ले लेता हूँ वेस्ट कोस्ट पेपर फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं बाय द वे वेस्ट कोस्ट टी एन पी एल ये सब के बट आपको लग रहा है मैं रिजल्ट ले लूँ लेकिन अगले तीन साल चार साल पांच साल तक पेपर में इस तरह का ग्रोथ नहीं आता है तो उसका जो पीई एक्सपेंशन का आपको फायदा नहीं मिलेगा बिकॉज उसकी प्रॉफिट जो है वो प्रडिक्टेबल नहीं है सो so, प्रॉफिट अगर प्रडिक्टेबल नहीं है तो पैसा भी आपको बड़ा नहीं बनता है बिकॉज आप अगर बाद में बेचने जाओगे स्टॉक किसी को तो कोई ख़रीदेगा नहीं बिकॉज उसको पता है लास्ट ईयर अच्छा गया है अगले साल अच्छा नहीं जाएगा एक और चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है अगर आप जब खरीदने का टाइम आता है ख़रीदने का टाइम आता है तो वी डोंट बाय स्टॉक्स बिकॉज वी वांट क्लैरिटी बट अगर आप क्लैरिटी का वेट करोगे तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ते हैं जून 2022 में सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा था बट क्लैरिटी नहीं था क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही है और क्लैरिटी आ जाएगी जनवरी में फेब्रवरी में जब फेड डिसाइड कर लेगा कि मुझे रेट कट जो है शायद अब करना पड़े बट फिर हमको भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे तो आपको भाव अगर क्लैरिटी के चाहिएंगे तो मुझे भाव मिलेंगे भाव अगर नीचे मिल रहे हैं मतलब क्लैरिटी नहीं है सो यू देर आर सो मेनी थिंग्स सो वाई एम आई ट्राइंग टू टेल यू ऑल दिस इज जो स्टॉक्स जो है जो आपकी लाइफ चेंज करती है लाइफ चेंजिंग स्टॉक्स उसमें क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं अब शॉर्ट में अगर हम जस्ट इफ आई जस्ट समराइज दैम नंबर वन हाई ग्रोथ एवरी वन कम्स टू द मार्केट फॉर ग्रोथ आठ परसेंट सी सिक्स परसेंट प्री टैक्स सी ए जी आर तो बैंक एफ डी भी करती है तो हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं फॉर ग्रोथ सो फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ बिकॉज मार्केट पेस फॉर ग्रोथ कोई कंपनी ले लो उसका भांडुप में लैंड है वो बेच देगा वो ये कर देगा वो वो कर देगा उसमें पैसा नहीं बनता है उसमें वन टाइम पैसा बनता है फॉर एग्जाम्पल ये आ, अभी न्यूज़ खबर चल रही है सांगी सीमेंट ले लो शायद अडानी खरीद ले बट होगा क्या अगर अडानी जाके सांगी सीमेंट लेते हैं तो सांघी के प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है हाउ इज गोइंग टू डील विथ इट अगर उसने सीमेंट प्लांट उठाकर बेच दिया अडानी को और कैश कंपनी में रख लिया और डिविडेंड नहीं दिया तो हम तो वही चौबे जी छब्बे जी वाली कहानी बन जाएगी बिकॉज हमारी कंपनी भी बिक गई लेकिन पैसा हमारे पास नहीं आया प्रमोटर के पास पैसा रह गया सो ऑल दी स्टोरी टेलिंग स्टॉक्स जो होती है जहां पे वेर यू थिंक डेट यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेक मनी बिकॉज यू आर इन द हैंड्स ऑफ द प्रोमोटर सो फर्स्ट इज ईपीएस ग्रोथ सेकेंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैसे पता चले अच्छा है कि खराब सो गुड मैनेजमेंट और गुड बिजनेस मॉडल बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं सो द बेस्ट ऑफ मैनेजमेंट नॉट डिस्ट्रॉय द बेस्ट ऑफ बिजनेस मॉडल विजय माल्या विद यूनाइटेड स्पिरिट्स जितना भी विजय माल्या ने गड़बड़ किया यूनाइटेड स्पिरिट को उसने कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाया वो फाइनली बिग गई डीआरजीओ को बट विजय मालिया एन किंगफिशर दो मिनट में उसने कंपनी बर्बाद कर दी टाटाज इन टी सी एस वंडरफुल गुड मैनेजमेंट बेस्ट बिजनेस बट टाटाज इन टाटा स्टील लास्ट बीस साल से बैंक एफ डी बीटिंग भी रिटर्न नहीं बना पा रहे हैं सो टा तो क्या मैनेजमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल है क्योंकि तो अगर बिजनेस अच्छा हुआ और मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं भी हुआ तब भी काम चलता है काम होता है आईटीसी ने जितने पैसे बर्बाद किए हैं लास्ट पैंतीस साल में मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई और कंपनी ने उतने पैसे बर्बाद किए होंगे होटल्स लो के आ, हाई केपेक्स लो लो रेवेन्यू बिजनेस आई पेपर पहले बनाती थी आप कलकत्ता वाले सब आपको पता है आईटीसी क्लासिक फाइनेंस 90s में कितना गड़बड़ होता था वहां पे इसको पैसा दे दिया पैसा नहीं आ रहा है बट बिकॉज कैश फ्लो वॉज सो स्ट्रांग फ्रॉम द टोबैको बिजनेस आई टी सी स्टिल इंस्पाइड ऑफ ऑल डैट मैनेज टू मूव अहेड एंड परफॉर्म और कोई भी प्रमोटर कभी कभी केएल चुग होते थे वहां पे एक जमाने में सो दीज आर टाइप्स ऑफ बिजनेसिस वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी थिंग इज बिजनेस मॉडल सो बिजनेस मॉडल ई पी एस ग्रोथ मैनेजमेंट चौथा फिर अगर आपको देखना पड़ेगा तो स्मॉल कैप छोटी कंपनियां बट स्मॉल कैप लेने से पैसा बनता है कहानियां बहुत होती है कि स्मॉल कैप से ही पैसा बनता है आलोक इंडस्ट्रीज भी स्मॉल कैप है सुजलॉन भी आज के दिन स्मॉल कैप हो गया आप स्मॉल कैप निफ्टी हंड्रेड अगर खोल के देखेंगे तो देर आर सो मेनी अमटी नंबर ऑफ कंपनीज विच वेर स्मॉल ट्राइड टू बिकम बिग बट रिमेन स्मॉल सो स्मॉल कैप में सेलेक्टिव वही स्मॉल कैप जो बिजनेस मॉडल अच्छे होते हैं जो बड़े हो गए फॉर एग्जाम्पल पेज इंडस्ट्री स्मॉल कैप था लार्ज कैप हो गया इन्फोसिस स्मॉल कैप था लार्ज कैप हो गया स्मॉल कैप और क्या एच डी एफ सी बैंक इन द मिड नाइन्टीज वॉज अ स्मॉल कैप जो लार्ज कैप हो गया कॉमन थीम क्या है एक फाइनेंस कंपनी थी एक कंज्यूमर कंपनी थी और उसके बाद अगर मैं इन्फोसिस दूं तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी सो अगेन द सेम स्टोरी बिजनेस मॉडल प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग एल्स तो कैन यू मेक मनी फ्रॉम अ लार्ज कैप डिफिकल्ट है बट बनता है भारतीय एयरटेल इट केम विद मार्केट कैप ऑफ आई थिंक टू एंड हाफ और और इन टू थाउजेंड हमने भी लिया था उस समय भारतीय एयरटेल को बट लार्ज कैप से भी पैसा बन गया बिकॉज ग्रोथ था <coughs> पूरे पांच साल में इंडिया में हर जगह मोबाइल फैल गया नाउ द थिंग इज जब बहुत बढ़िया कंपनी आपको नजर आएगी ना सेटअप अच्छा होगा भाव अच्छा होगा तो न्यूज फ्लो वर्स्ट होता है फॉर एग्जाम्पल यूएस रिसेशन में चला जाएगा फिर क्या होगा आप कभी कलकत्ता में बड़ा बाजार में कोई कपड़े वाले से पूछे हो वो बोलेगा इस बार ईद की सेल ख़राब थी भाई उसको भी रिसेशन ही है लेकिन उसके घर मातम नहीं मानता है अरे इस साल ईद की सेल खराब थी नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा बट वेन यू एस गोजन रिसेशन द एंटायर वर्ल्ड स्टॉप बाइंग स्टॉप सेलिंग एंड वेट्स फॉर गुड न्यूज बट गुड न्यूज़ वापस आता नहीं है इंडिया का बाय डिफॉल्ट जी डी पी ग्रोथ इज फोर परसेंट एंड आई विल टेल यू वाई एंड हाउ आपके घर में एक मेड काम करती है राइट right? उसके बच्चे को दस हज़ार का फोन चाहिए वो दस हज़ार फ़ोन के लिए चार घर एक्स्ट्रा पकड़ेगी लेकिन दस हज़ार कमा के अपने बच्चे को फ़ोन दिलाएगी वो जो फ़ोन का डिमांड है वो कहीं ना कहीं जीडीपी में ऐड हो रहा है आप घर में अगर ड्राइवर आपके हैं ना और वो अगर गाँव जाता है ना तो आपको रिप्लेसमेंट में ड्राइवर दे देता है कि हाँ भाई ड्राइवर ये ले लो भाई हमारे पास मैं गाँव जा रहा हूँ आप इस ड्राइवर से काम कर लो लेकिन आपका घर का सर्वेंट जो है वो जब भी गाँव जाता है आपको रिप्लेसमेंट में सर्वेंट नहीं देता है क्यों क्योंकि वो गांव में बोलता नहीं है कि मैं सर्वेंट का काम कर रहा हूं वो गांव में कुछ और बोलकर आता है बड़े शहर में सो दैट इज वाई देर इज सो मच ऑफ एस्पिरेशनल वैल्यू कि फोर परसेंट इंडिया का जी डी पी ग्रोथ गुड गवर्नमेंट बैड गवर्नमेंट ममता दीदी और अभिषेक भैया और वट एवर बट आपका जब भी इंडिया का ग्रोथ जी डी पी की बात होगी द वर्स्ट ऑफ द बेस इज फोर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज सेवन इस बीच में आप कहीं कही ना कहीं रहेंगे अगर आप टूवर्ड्स फाइव एंड हाफ टू तो सेवन है मतलब तो गवर्नमेंट बहुत फिनोमिनल काम कर रही है अगर आप फोर टू फाइव एंड हाफ है मतलब गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है बट फोर से नीचे तो हम जाएंगे नहीं और सेवन से ऊपर जाना बहुत ही असंभव है अनलेस यू हैव दिस बिग लिक्विडिटी फ्लो ऑफ मनी कमिंग इन फ्रॉम ओवरसीज सो वट मेक्स मनी अगेन इनोवेशन मेक्स मनी जो नई चीज क्या हुई लोगों ने पैसा कमाया इंफोसिस में 92 में सो so 94 में लिस्ट हुआ था तो 92 में हम कॉलेज में हुआ करते थे और हमारी जो बुद्धि है उस समय वैसी ही रहती थी कि बॉम्बे का स्टॉक लोगे दो परसेंट ब्रोकरेज लगेगा कलकत्ता का स्टॉक लोगे तो वन परसेंट ब्रोकरेज लगेगा एनीबडी यूज ट्रेडेड इन द नाइन्टीज विल बी एबल टू रिलेट टू दिस एंड वी सर दो परसेंट ब्रोकरेज नहीं देंगे कलकत्ता में क्या क्या स्टॉक्स हो सकता है ले लो तो हमारे पास DCL पॉलिएस्टर, हिंदुस्तान मोटर और यही टाइप की कंपनीज आई बिकॉज इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन बॉम्बे यू वुड नेस्ले दो परसेंट ब्रोकरेज नहीं चाहिए भाई इन्फोसिस दो परसेंट ब्रोकरेज नहीं चाहिए जी टी वी उस समय नया आया था पूरे केबल टीवी मूव कर रही थी दो परसेंट ब्रोकरेज लगता हमको लेना ही नहीं है हमको वन परसेंट ब्रोकरेज वाला चाहिए बिकॉज शुरू से ही हमारा दिमाग रहा है हाउ टू कट द कॉस्ट तो कमिंग बैक टू इट आपको अगर नॉर्मली आप देखोगे द काइंड ऑफ कंपनीज डेट मेक मनी दे आर प्रेडिक्टेबल लॉन्ग रेंज ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल मिड नाइन्टीज में एक बहुत ज़बरदस्ती चीज आई एक डेढ़ साल में रही और मर गई पेजर आया और खत्म हो गया बिकॉज मोबाइल आ गया कोडैक के पास फोटोग्राफी था डिजिटल सबसे पहले कोडेक ने बनाया लेकिन कोटे बो, कोडेक बोला अगर मैं इसको लॉन्च कर दूं तो मेरा जो रील वाली जो पिक्चर बनती है वो गड़बड़ हो जाएगा पहले जब रील लगा के फोटो लेते थे ना तो बहुत सोच के लेते थे हाँ भाई ये सब कोई ठीक है सब कोई चेहरा हंसता वार है एक फोटो खींच लो जब मोबाइल से लेते तो हम बीस लेते हैं और बाद में खुद भी डिलीट करने में थक जाते कितना डिलीट करें वहां से द एंटायर सिस्टम चेंज फ्रॉम डिजिटल टू डिजिटल फोटोग्राफी बट कोडेक हु पैनियर हुट डेट वी कूड डू इट डिडेंट डू इट बिकॉज वो बोले अगर मैं ये डिजिटल निकाल दूं तो मेरे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रील का क्या होगा से सेम थिंग हैपेंड बिकॉज कोडेक ने नहीं निकाला किसी और ने नोकिया के फोन से नहीं निकाला कैमरा फोन में डिजिटल फोटोग्राफी आ गई और कोडेक एज अंपनी ऑलमोस्ट वैन बैंक्राफ्ट आई थिंक इट डिड गो बैंक्राफ्ट सेम विथ ब्लैकबेरी रिसर्च इन मोशन उसके पास जो ई मेलिंग फोन था उसने बोला मैं इसको चेंज नहीं करूंगा मेरा एग्जिस्टिंग सेटअप चल रहा है सो चेंज इज डिफिकल्ट चेंज इज हार्ड बट समाइम्स इफ यू डोंट चेंज समी एल्स विल चेंज इट शेयर बाजार से बताता हूँ जो लोग बड़ा क्वांटिटी का शेयर लेते हैं जैसे पहले हम लोग आ, सोचते थे रिजल्ट खराब आया कंपनी का अब मैं अगर बेचूं तो ये तो सर्किट लग जाएगा नीचे तो वी लर्नट इट वेरी अर्ली भाई अगर तू बेचेगा नहीं सर्किट लग जाएगा के डर पे तो कोई और बेच के सर्किट मार देगा इसीलिए तुम ही बेच के सर्किट मार दो अगर मेरे को कोई स्टॉक लेना है तो मैं सोचता हूँ अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो सर्किट लग जाएगा अगर मैं वेट करूंगा हफ्ते भर और न्यूज़ चली गई तो ऐसे ही दाम बढ़ जाएगा तो कोई स्टॉक लेना है तो सर्किट मार के ही ले लो ज़्यादा अच्छा है सो सिमिलरली इफ देर इज सम चेंज वेटिंग टू हैपन आपके कम्युनिटी में आपके इंडस्ट्री में आपके बिजनेस मॉडल में अगर आप वो नहीं करोगे डर के मारे कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट को एक अच्छा एडवाइस देना है आप सोचोगे मैं इसको नहीं बताऊंगा छोड़ दे वो क्लाइंट दो सौ से और बात करेगा वो ज्ञान ले लेगा और वो चेंज भी कर लेगा और शायद सी भी चेंज कर देगा बट दिस हैपन्स मोस्टली इन दिस वर्ल्ड वेर इनोवेशन इज वेरी स्ट्रांग सो इनोवेशन और कहां चेंज हो रहा है ग्लोबली यू वाइट बीबल टू रिलेट टू इट मर्सिडीज और जो जितनी जर्मन गाड़ियां हैं ऑडी बना रहे वाली मर्सिडीज है वॉल्वो है फोर्ड मोटर अमेरिका में है ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं जा रहे हैं डर के मारे कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मेरी एग्जिस्टिंग असेंबली लाइन मेरी फैक्ट्रीज कैसे चलेगी भाई छोड़ दो मत करो तुम नहीं करोगे तो टेस्ला चेंज कर देगा सब कुछ टेस्ला इज फोर्सिंग देम टू चेंज तो इसीलिए क्या होता है इनकम्बेंट जो होता है जो लीडर होता है वो इस डर के मारे कि मैं ये नहीं करूँ वो करता नहीं और कोई और कर देता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सॉफ्टवेयर में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस एक्सेप्ट फॉर टाटा एन टी सी एस वॉज नॉट ए डेलिबरेट सॉफ्टवेयर अटैम्प्ट इट वॉज मोर फॉर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्री सर्विसेज आपको याद होगा नाइन्टीज में जो हम शेयर भेजते थे तो टाटा वाले टीसीएस से उसको शेयर रजिस्ट्री सर्विसेज करते थे सो so, ना बिरलास गए ना अंबानी गए ना आई uh, मीन I mean, महिंद्राज गए सॉफ्टवेयर में सारे नए साउथ इंडिया के जितने बड़े ऑन्ट्रप्रिनर्स घुस गए सॉफ्टवेयर में सो दिस इज द वे हाउ थिंग्स चेंज वन न्यू थिंग कम्स नोबडी कैन थिंक अबाउट व्हाट इज कमिंग बट वंस इट स्टार्ट्स टू टेक ओवर इट मूव्स वेरी फास्ट तो अब हम वापस आए उस पे हमारे मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए हमको चाहिए भाई बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए हमारा ग्रोथ होना चाहिए स्मॉल कैप होना चाहिए स्केलेबल होना चाहिए स्केलेबल मीन्स अगर मैं सोचूँ कि मैं सपोज मैं ट्यूशन कर रहा हूँ और मैं करता भी था अर्ली टू थाउजेंड्स में वंस दस नो बिजनेस इन दस नो मनी सो देन आई रियलाइज वेरी क्विकली इन थ्री फोर ईयर्स कि ये स्केलेबल काम नहीं है बिकॉज उस समय जूम कॉल नहीं था वीडियो से आप पढ़ा नहीं सकते थे आप वन ऑन वन ग्रुप स्टडी कराते थे दस आदमी को एक साथ तो कितनों को पढ़ा दोगे सौ को पचास को बीस को सत्तर को अस्सी को लेकिन अगर वो स्केलेबल है अगर आप यूट्यूब में जाके पढ़ाने लग गए और आप एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बना लिए तो स्केलेबल हो जाता है तो आपके फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला भाई बारिश बहुत है तो हाउ अबाउट मेकिंग वाइपर्स ऑन दी स्पेक्टिकल्स वो स्केलेबल काम नहीं है रिमोट कंट्रोल बैटरी ऑपरेटेड टूथब्रशेज स्केलेबल नहीं है बिकॉज हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली यूज इट सो द थिंग हैज टू बी स्केलेबल फॉर द पब्लिक आना चाहिए पब्लिक के प्राइस पॉइंट पे भी आना चाहिए सो कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज इवेंट्स अब आप देखोगे कोई भी अगर मार्केट है कोई भी स्टॉक मार्केट है कोई भी स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल उसको न्यू इनोवेशन में पैसा बनता है माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पैसा बना लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर निकाला गूगल में बहुत पैसे बने लोगों के बट हमें तो लगता ही नहीं गूगल पैसा लेता है कि नहीं बट गूगल इतना पैसा आपको लगता है फ्री है बट गूगल वो पैसा कहीं कही ना कहीं लेता है आपसे अगर आप गूगल मैप यूज कर रहे हो गूगल को उस मैप से डेटा जाता है कि ये गाड़ी स्लो चल रही है और गूगल वो सारा डेटा बेचता है ऊबर को फॉर फॉर अ प्राइस सो एवरीवेयर देर इज दिस थिंग ऑफ बंडलिंग डेटा एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट फॉर एग्जाम एपल पैसा यूज करता है इंटरनेट टैक्स तो एवरीबडी नोजल एप स्टोर से आप कुछ खरीदते हो तो थर्टी परसेंट कट मिलता है सो बेसिकली यू हैव टू डोमिनेट द एंटायर मार्केट फर्क क्या है कैलकटा में अगर कोई काम कर रहा है कपड़े का राइट right? बड़ा बाजार में अच्छा काम कर बोला कहां तक बोला हमारा माल रिश्रा तक जाता है बर्धवान तक जाता है आसनसोल तक जाता है और बड़ी बात होती है अमेरिका में कोई बैठता है तो वो सोचता है हाउ के आई चेंज

फॉर एग्जाम्पल वी सेलिब्रेट इतने न्यू कमर्स मार्केट में आ रहे हैं इतने डी अकाउंट ओपन हो रहे हैं इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं वाह क्या मजे की बात है ये मजे की बात है एक लेवल तक दूसरी लेवल ये है कि मार्केट का कलेक्टिव विजडम और मार्केट का कलेक्टिव इंटेलिजेंस नीचे आ गया है एंड द रीजन इज बिकॉज जो नया आदमी आ रहा है दो लाख की सैलरी वाला जो पचास हजार लगा रहा है वो आज का न्यूज देखकर आज का स्टॉक ट्रेड कर रहा है ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ वेदर ही कैन यूज टूडेज प्राइस to make money for the future. If he sees that Powell is talking of recession, he goes and sells stocks. If he sees that Powell is saying that we have recession under control, he goes and buy stocks. And because of that, the volatility in the market has increased X number of times. एक ही दरवाजे से हर को निकलना है, एक ही दरवाजे से हर एक को आना है. WhatsApp group में within five minutes पूरे इंडिया को पता चल जाता है क्या हो रहा है. So these are the pitfalls of having so many newcomers into the market. Because इस सारे newcomers जितने भी आए हैं इनके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है और फ्यूचर में भी इनको वेट करने का उतना है नहीं इनको आज लगाना है और आज पैसे बनाने हैं सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव विद सो मेनी पीपल कमिंग इन एंड डिट दिस कैन ओनली इंक्रीज आप कभी गूगल करें अमेरिका में एक रॉबिन करके एक ऐप है उस पर गेम स्टॉक करके कंपनी था उन्होंने उस स्टॉक को उठा उठा कर बीस गुना ऊपर कर दिया बिकॉज सारे रिटेलर जाके खरीद गए और बड़े फंड मैनेजर उसमें फंस गए दे वर ऑल शॉर्ट ऑन दैट स्टॉक सो दिस इज नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड अभी अगर वापस रिटेल को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बाय व्हाट यू सी कंसेप्ट जिससे पीटरलच ने पैसे बनाए फॉर एग्जांपल मैं बाय व्हाट यू सी ऐसे बोलता हूं कि फर्स्ट टाइम आप सुबह उठे आपने कब कोलगेट देखा आप बचपन में देखे होगा पाँच छः साल की उम्र में आप कोलगेट का स्टॉक ले लेते हैं आप अमीर हो जाते हैं आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स के और या डव के आप प्रोडक्ट्स यूज किए आप अमीर हो जाते हैं आप ब्रेकफास्ट टेबल पे आते आप नेसकेफे का कॉफी पिए हैं या बॉनविटा पी रहे हैं आप अमीर हो जाते अगर आप देखते तो दिस इज़ कॉल्ड बाई वट यू सी उसके बाद आप गाड़ी में ऑफिस जा रहे हैं आपके बगल वाले एम्बेसडर बेचकर मारुति में शिफ्ट हो रहे हैं या कोई हीरोडा का बाइक ले रहा है आप ही हिरो और मारुति मारुति तो 90s में लिस्टेड नहीं था हीरो होंडा लिस्टेड था आप अमीर हो जाते ऑन द वे बैक अगर आप घर से आ रहे हैं तो वापस घर आ रहे हैं तो आप बिग बाजार से शॉपिंग कर रहे हैं पैंटेलून रिटेल में बहुत पैसा बना लोगों के okay, आप अमीर हो गए बीच में आप एयरटेल में फोन कर रहे हैं फोन जा रहा है और फोन आ रहा है एयरटेल लिस्टेड था भारतीय लिस्टेड था जब मोबाइल आया बहुत पैसा बन जाता आप जूता खरीदने का सोच रहे हैं कि भाई चलो भाई बाटा का जूता ले लें उससे पैसे बनते थे सो द थिंग इज बाय वट यू सी कंसेप्ट जो पीटरलिंच ने आज से 30, 40, 50 साल पहले लिखा था और इंप्लीमेंट किया था वो वापस आएगा जब ये नए न्यू कॉमर्स वापिस मार्केट में घुसेंगे तो. तो इनको अच्छे लगते है कौन से शेयर पेटीएम दे कैन रिलेट टू इट जोमैटो कोई भी रिकमेंडेशन ये मैं नहीं रिकमेंड करता सब शेयर खरीदे आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ द मार्केट फंक्शन तो जब आपको लगेगा कि पेटीएम बढ़ रहा है जोमेटो बढ़ रहा है आईटी सर्विसेज बढ़ रहा है आईटी क्यों बिकॉज आधे से ज्यादा जनता शेयर बाजार की जिसके पास पैसा है वो आईटी सर्विसेज में ही काम करती है अगर मैं फॉर एग्जांपल एलटीआई में काम करता हूं तो मुझे टीसीएस के बारे में पता है सो आई टी सर्विसेज दे कैन रिलेट टू वैसे मुझे लगता है इंडिया का कंज्यूमर बूम टू वेरी लार्ज एक्सटेंट इज बिकॉज ऑफ इंडिया आई टी एक्सपोर्ट्स आईटी एक्सपोर्ट्स होता है इतना बड़ा मार्केट है डोमिनेंट मार्केट है सैलरीज मिलती है लोगों को ये शाम को यही लोग हैं जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं और ख़रीदते हैं क्योंकि तो हम लोग जितने बाकी लोग जो हैं, हम लोग तो, तो सस्ता ढूंढते हैं कहाँ मिल जाए सेल पर कहाँ मिल जाए बट दे डोंट हैव टाइम सो दिस इज हाउ इट इज सो ब्रॉडली इफ यू आस्क मी मार्केट अभी के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि क्योंकि अक्टूबर दो में हमने टॉप बनाया बैड न्यूज़ फ्लो तीन चार छः महीने बाद से हुई स्टार्ट होना हम छः महीना पहले ही टॉप बना दिए बॉटम हम जून 2022 में बनाए न्यूज़ फ्लो वर्स्ट दो तीन चार महीने बाद तक आई और मुझे लगा अभी जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया ऑफकोर्स हमारा तो लोकल इन्वेस्टमेंट के कारण बनाया बट नेक्स्ट मे में क्या सिचुएशन होगा वो हिसाब से मार्केट आज रिएक्ट करेगा जनवरी में भाव मार्केट में वैसे आएंगे जो नेक्स्ट ईयर जुलाई या अगस्त में जो सिचुएशन होगा तो मार्केट छह महीना चार महीना पांच महीना जल्दी चलता है और मुझे लगता है कि अगर आपको यह लग रहा है कि अमेरिका में सिचुएशन इंप्रूव हो गया है तो मार्केट यहां से बढ़िया करना चाहिए ऊपर जाना चाहिए अगर आपको लग रहा है अमेरिका में मार्केट सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा लेकिन भाव जो है आपको अगर भाव नीचे होगा तो न्यूज़ फ्लो खराब होगा भाव ऊपर होगा तो न्यूज़ फ्लो अच्छा होगा अगर आपको पैसा बनाना है तो खराब न्यूज़ फ्लो के साथ नीचे का भाव का वेट करें वेट कोई करता नहीं बिकॉज मार्केट में आप जब तक वो शेयर नहीं लेंगे ना वो भरता ही रहेगा जिस दिन आप ले लेंगे उसके बाद तो भरना रुक जाता है तो प्रॉब्लम ये ये है लेकिन ये तो मेंटली सोच भी लेते हैं अच्छा जिस दिन आप लेते हो ना शेयर को इतना एक्साइटमेंट रहता है सुबह से छह बजे से एक्साइटमेंट रहता है आज, है आज लेना है आज लेना है आज लेना है और जैसे ही आपने ले लिया लगता है वो तेजी खत्म हो गई तो काफी जन बोलते हैं मतलब तो जो शेयर घटाना है मुझे दिला दो देखो वो घट जाएगा काम यार बोला शेयर शेयर एंटरप्राइज़ ले ले और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत लोगों को तकलीफ़ इन लोग दोनों से सो पॉइंट इज़ आपके लेने से घटता बढ़ता नहीं है जजमेंट हमारा अपना होता है बट हाँ बड़ा पैसा बनाने के लिए दीज आर द स्मॉल थिंग्स लुक फॉर आई थिंक हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ज्यादा फिर डिस्कस कर पाएंगे ग्रेट डेलीब्रेशन सर थैंक्स फॉर दिस रिक्वेस्ट टू मिस्टर संदीप जैन ना प्रेजेंटेशन रेडी बसंत जी की बुक कितने लोगों ने पढ़ी है यहाँ पे द इन्वेस्टर दो छः सात लोग ज़बरदस्त बुक है प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इनफैक्ट काफ़ी सार दिया है और मैं बहुत फॉलो करता हूँ बसंत सर को ज़बरदस्त फॉलो करता हूँ मैं सीरियसली बताता हूँ मतलब मैंने इतने स्पीकर्स सुने हैं देखे हैं मिले हैं मिलते भी हैं काफ़ी लोगों से बट बसंत जी का जो स्टाइल है वो ये अपने जैसे हैं मतलब बाकी लोग से कई बार मिलते हैं तो वो होते हुए भी दिखते नहीं है और बनते हैं वो लोग बट बसंत जी का भी अपने जैसा स्टाइल है एकदम जो अपने कलकत्ता में जैसे होता है और हॉस्पिटैलिटी तो कलकत्ता की ज़बरदस्त है ही है इसमें तो कोई दो है ही नहीं है और बसंत जी की एक ख़ास बात और कर देता हूँ मैं आ, मैं दूसरी बारी मिला हूँ आज लाइफ में बट आई रियली फील वेरी क्लोज़ टू हिम बिकॉज मेरे एक अंकल है आसाम में डॉक्टर अंकल वो मुझे सबसे पहले जब मैं बोला कि मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ उनको जब बोला सबसे पहले बोले कि तुमने थॉटफुल इन्वेस्टर पढ़ी है क्या बोला मैंने बोला नहीं मैंने नहीं पढ़ी बोला तुमने सुना है या नहीं बोला तुमने सुना ही नहीं मतलब ही ही रिएक्टेड सो बैडली बोले तुम सबसे पहले बुक पढ़ना एंड ही इज़ अ वेरी बिग एच एन आई इन्वेस्टर विथ बसंत सर और एक और मैं किस्सा बताता हूँ मैं जनवरी 2020 में एक शादी में था और लड़के वाले यहाँ बैठे हुए हैं शादी वाले उस शादी में जब मैं होटल में रूम पे जे डब्ल्यू मैरियट में रुका हुए थे और वहाँ रूम पे ग्यारह से साढ़े ग्यारह बसंत जी का अनिल जी के साथ एक शो आ रहा था शायद तब आप बॉम्बे नए नए शिफ्ट हुए ही थे और आपका आ, स्टार्ट हुआ वो शो था और आपने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए तो मैं और मेरी वाइफ रेडी हो रहे थे भाई नीचे फंक्शन में जाना है तो मेरी वाइफ मुझे कभी भी नहीं सुनती है बिलीव मी और बसंत जी को सुनने के लिए बोलता आधे घंटे में लेट चली जाऊँगी अपने इनको सुन के जाऊँगी सो बिग क्लैप फॉर एक्चुअली मैं और वा, वाकई में इट वॉज सो इंटरेस्टिंग वी गॉट डिलेड ऑल्सो फॉर द फंक्शन बट मैं ठीक है उस दिन बंगाली थीम का एक दोपहर में फंक्शन था हमारा बट मैं ठीक है लेट होंगे बट ठीक है ज़रूरी है बहुत ही सुनना तो इस तरीके का मतलब बसंत सर का वो है एंड वी आर वेरी एक्चुअली लकी दैट वो हमारे बीच हैं बॉम्बे अब रहने लग गए कोलकाता छोड़ के फॉर आई थिंक बिगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गए बट सर उसके बाद कोरोना आ गया तो कई बार वो टाइमिंग का भी चक्कर पड़ जाता है हालांकि अब बॉम्बे जाना वापस से जरूरी हो गया बिकॉज अब क्या फिजिकल का इंपॉर्टेंस अब शायद पहले से ज्यादा बढ़ गया क्योंकि अब लोगों को मतलब ऑनलाइन बीच में दो साल था हालांकि आजकल भी वेबिनार वगैरह होता है वेबिनार में तो क्या म्यूट और ऑफ स्क्रीन हो जाओ बाद में आप अपने काम करते रहो बट यहां पे तो आप लोग बैठे हैं बट एक चीज बताइए इसका सीपी स्कोर कितना है इस सेमिनार का सिक्स है इसीलिए इतने कम लोग हैं और वो जो आप लोग का जुलाई में होता है जुलाई पंद्रह तारीख को होता पे गवर्नर साहब आए थे उसमें आठ सौ लोग क्यों थे सिक्स था तो उसमें आठ सौ लोग हो गए अच्छा तो लगाने से हो जाता है अच्छा <laughs> क्योंकि आप लोग मेहनत तो उतनी कर रहे हो उतना ही गेस्ट को चुनने में तो ये भी तो वन सी नहीं है अच्छा ये दो तीन कर लेते हैं अच्छा अच्छा <laughs> <laughs> और ये मैं उसी पे आ रहा था एक्चुअली मार्केट का सिनेरियो है ये इट्स नॉट अबाउट स्कोर और मेहनत और ये मार्केट का सिनेरियो और फिर कई बार क्या होता है कि गवर्नर साहब का नाम लग जाता है उससे भी फर्क पड़ता है और दूसरी बात उस टाइम पे डिमेट अकाउंट्स खूब खुल रहे थे पिछले चार महीने में ज़बरदस्त डिग्रो था डीमेट अकाउंट्स में तो वो भी एक रीज़न हो सकता है और उस टाइम पे एक्चुअली में ज़रूरत थी लोगों को कि भाई सुने अब नई नई टिप्स मिले बट क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त था इस हॉल में आज भी होगा धीरे धीरे होगा मुझे लग रहा है ऐसा बट लास्ट टाइम काफ़ी कंपनीज डिस्कस किए थे आईटीसी के बारे में डिस्कस किए तो मैंने लगा जब तक नहीं चले तब तक बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो दो सौ रुपये पर अपन ने स्ट्रैटेजी की बात की थी एंड हमने यही बोला कि पुट राइटिंग करते रहो मस्त रहो और पुट राइटिंग कर करके मेरा तो एक क्लाइंट है उन्होंने मतलब पिचासी लाख रुपए पुट राइटिंग करके ही कमा लिया मतलब अपने पोर्टफोलियो को करके और अब वो चल गया अब, अब पुट राइटिंग में ना तो प्रीमियम है विक्स है सब खत्म हो गए तो मैं ये पुट राइटिंग का एग्जाम्पल इसीलिए स्टार्ट किया हूँ कि मैं जनरली एक थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच लेके हम लोग क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं हम लोग एक्चुअली विनर क्लाइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं पास्ट में हमने ये देखा कि हम लोग सुभाष गई बने और विवेक मुश्रान हो जैकी श्रॉफ हो कई ऐसे बनाने की कोशिश की हमने हमारी कंपनी में और बने भी ऐसे ऐसे लोग बने हैं जो मतलब मतलब सौ करोड़ की नेटवर्क से भी ज़्यादा हो गया और एक जना तो मतलब ऐसा हो गया कि मैं नाम भी नहीं ले सकता और वो जिस लेवल पे पहुंच गए हैं और मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी में राकेश झुंझुनवाला के साथ एक बहुत बड़ी स्टेक शेयर करते हैं तो वही वो, वो फंडामेंटल्स में स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करते करते कोई एक कंपनी में जैसे सर ने बोला ना कि कन्विक्शन और फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कई बार आप कुछ काम करना पड़ता है तो उन्होंने वैसा ही कुछ किया टेस्ला में बहुत बड़ा गेम कर दिया फिर वो टेस्ला से जो पैसा कमाया उसके बाद वो दूसरे एक स्टॉक में लगाया जो कि बहुत जबरदस्त लिस्टिंग हुई तो कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत बड़ा कई बार वो भी चलता है अगर अच्छा कन्विक्शन होता है तो, तो अब मैं 360 सिक्सटी डिग्री अप्रोच की जो बात कर रहा हूं ये है बेसिकली वी विल टॉक अबाउट ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विथ ऑप्शन मतलब मैं चाहता हूं कि यहां पर कितने लोग ये तीनों चीज देख के काम करते हैं तीनों में काम करते हैं हम बोल देते हैं मैंने तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी तो मैं कम देता हूं टीवी पे क्योंकि वो कई बार वो ब्रांडिंग होती है ना नाना पाटेकर को थोड़ा रफ वाला रोल ही करना पड़ता है वो शाहरुख खान को वही वाला रोल करना पड़ता है सबका अपना अपना रोल होता है स्टेज पर तो वैसा ही मेरा भी रोल थोड़ा मैं फंडामेंटल्स पे ज़्यादा रहता हूँ टेक्निकल्स पे बोलता कम हूँ बट मैं देखता सबसे पहले टेक्निकल्स हूँ वेरी फ्रेंकली क्योंकि टेक्निकल्स की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है और कई बार होता है ना कि हम लेते हैं और स्टॉक चलता ही नहीं है और जिस दिन बेचता हूँ उस दिन टूट जाता है या जिस दिन वो पीक पर होता है आप घुसते हैं तो वो उसके लिए क्या होता है टेक्निकल्स को देखना बहुत बहुत ज़रूरी है और ये मैंने अभी देखा कि लोग जो अभी न्यू जेन आ रहे हैं जो नेक्स्ट जेन है ये लोग इस बार क्या बहुत पढ़ लिख के आ रहे हैं भले ही कुछ लोग रॉबिन हुड भी है कुछ लोग ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और जैकपॉट और लॉटरी के काम कर रहे हैं बट ओवरऑल देखते हैं अच्छे इंजीनियर्स अच्छे आई तो चलो वो उनके तो ब्रांड लग जाते वो जैसे ही आई होता है उसको सौ करोड़ की स्टार्टअप का एक फंडिंग मिल ही जाता है आई और आई को बट जो छोटी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं मतलब मैं इवन जयपुर के कई बच्चों को जानता हूँ छोटी छोटी इंस्टीट्यूट है जिनका आप लोग नाम नहीं सुनेंगे बट वहाँ से आके वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो लोग बहुत पढ़ लिख के समझ के मैंने कम से कम मेरी पिछले आ, वैसे तो मैं दो हज़ार से टी वी आ रहा हूँ 2005 में पहला इंटरव्यू दिया था मैंथा ऑयल पे क्योंकि कमोडिटीज़ मेरे जहन में थी और कमोडिटीज़ से लाइफ शुरू की थी फिर धीरे धीरे दो नौ में रेगुलर शोज आने लग गए फिर 2011-12 में कुछ ग्वार में लफड़े होने लगे या बाकी कमोडिटीज़ में एग्री कमोडिटीज़ में फिर सीटीटी आ गया तो इन सब से मार्केट कमोडिटीज ठंडा हुआ तो इक्विटीज़ में आया और इक्विटीज़ वैसे काफ़ी मैंने काम किया हुआ है क्लास इलेवन से कर रहा हूँ और काफ़ी पैसा दबा के खोया हुआ है मतलब पैसा कमाया नहीं बहुत खोया और वो कलकत्ता वाले आईपीओ मार्केट में पैसा लगा दिया था जहाँ पे वो तीन टक्के में आप एप्लीकेशन लगाते हो ना मतलब जितने ख़राब प्रिंसिपल्स मैंने फॉलो किए हैं लाइफ में मतलब मैंने कलकत्ता से मतलब कलकत्ता से सीखा नहीं कलकत्ता में मैं पैसा लगाता था और क्या होता था पहले दस रुपये के शेयर का ढाई रुपये तो लोग लेते थे मुझे आज भी कंपनी को याद है सोमानी स्विस बोल के तो नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव में जब चार हज़ार आई पी ओज आए थे तो उस टाइम पे वो सारे अलॉटमेंट आ गए मैं बोला लगा दो भाई ढाई रुपया क्या फ़र्क पड़ता है और फिर उसके बाद वो जब सारा अलॉटमेंट आया तो उसका ब्याज देना पड़ा क्योंकि अलॉटमेंट का जो पैसा था वो फिर वो फंडर इन्वेस्ट करता है और वो तीन टका ब्याज लेता है तो मैंने अच्छे से पैसे खोए मतलब मैंने लिवरेजिंग कर ली मैंने रिसर्च नहीं की खराब आई में पैसा लगाया तो आई लर्न इट द वेरी वेरी हार्ड वे और आज बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जैसे सर ने बोला ना कि पहले तो बहुत डिफिकल्ट होता था ग्रैंड में वो बड़ा कप और आजकल तो Uh, मतलब ट्विटर है सोशल मीडिया हैंडल्स है और सारे यूट्यूब uh, चैनल्स पे यूट्यूब यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो फिर वो एक और आजकल जो रिसर्च बेचते हैं जिसपे कौन सा वो हैंडल हो चाइनीज हैंडल जो है मतलब वो टेलीग्राम, टेलीग्राम। वही मैं समझना चाह रहा था <laughs> तो सब लोग मुझे पहला क्वेश्चन पूछते हैं सर आपका टेलीग्राम में वो है क्या तो मेरे नाम से कम से कम आठ दस टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं बट मैं मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है एंड बिलीव मी रेगुलेटर्स सर आपने बोला ना कि आज यहाँ पे नहीं अपन शेयर की बात कर सकते हैं उनके वो ऊपर वाले की नज़र ऊपर वाला सब देख रहा हो जो सलमान खान वाली ऐड आती है ना बिकॉज मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो लोग इतने ब्रिलियंटली काम कर रहे हैं रेगुलेटर्स इंडिया के रेगुलेटर्स को देखिए हैड्स ऑफ भले ही वो धीरे धीरे फॉर्म में आते हैं मगर आते हैं ना तो फिर वो गज़ब का फॉर्म में आते हैं जैसे अब इनकम टैक्स वाले कलकत्ता की सारी कंपनियां देख लो बिजनेस ठंडा हो ही गया ऐसे ये लोग का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग तो वैसे ही वैसे ही अभी ये सारे रिसर्च एनलिस्ट जो हम लोग आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं उस पर वो पिनाका बोल के सॉफ्टवेयर डेवलप किया उन्होंने एंड आई आई टी एन्स आई आई एम्स जमुना बजाज जो बड़ी इंस्टीट्यूट है वहाँ से ग्यारह सौ लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं मतलब सेबी इज़ वर्किंग लाइक अ कारपोरेट मतलब ऐसा खत मतलब सो so, एंड वो लोग बहुत कंप्लायंस और ला देंगे मतलब इंडिया अभी जो हम देख रहे हैं जो ग्रोथ आ रही है इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्लायंस हार्डवर्किंग थे मगर हम लोग हार्डवर्किंग के जो रिजल्ट थे वो बुक्स में नहीं दिखाते थे और अब हर चीज़ कम्प्लायंस होने की वजह से और ये जो पैसा आ रहा है एस आ रहा है मार्केट टूट रहा है थर्ड पावर जो इतना बड़ा हो गया है इट इज़ बिकॉज ऑफ कंप्लायंस लोगों ने मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जितना लोगों ने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया था 2019 तक और कोरोना के बाद अगर किसी ने अप्रैल में एंट्री ली है और वो दो साल ढाई साल में इतना पैसा कमाया है वो जितना टैक्स दिया है उससे कम पैसा कमाया हुआ था दो तक ऐसे मेरे कम मेरे सामने कम से कम बीस तीस एग्जाम्पल्स हैं और ज्यादा ही होंगे मतलब तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा और उसमें क्या टैक्स देना इंडिरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन ये सब बढ़ना ये सब का बहुत बड़ा इंपैक्ट आया सो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स क्योंकि पहले मिड कैप और स्मॉल कैप और नैनो कैप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी आज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट रिपोर्ट उनकी जैसे हम अगर पर्सनल लोन लेने जाते हैं तुम्हारी तो क्रेडिट रिपोर्ट होती है वैसे मैं सबसे पहले उसकी क्रेडिट रिपोर्ट देखता हूं क्या उसकी रेटिंग है और कौन कर रहा है उसमें भी वो टॉप थ्री वाले कर रहे हैं क्या इकरा केयर फिर क्योंकि एक का भी नाम आ ही गया था अब वहाँ पे भी वो लोग पूरे डरे हुए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे भी सेबी की पूरी नज़र है कि वो गलत रेटिंग देंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी तो इसीलिए अब वो डर नहीं है हमें अगर हमारे पास नंबर्स है कंपनी के जैसा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बसंत सर ने दिया कि कई बार बिजनेस मॉडल अच्छा हो और वहाँ पे नंबर्स अच्छे हो प्रमोटर्स हल्का भी होता तो बाद में क्या होता है पैसे आने का तो वो भी ठीक हो जाता है उसका कैरेक्टर ठीक होता है मतलब कई बार बोलते हैं ना एक बार वो जब अपन लोग मारवाड़ी लोग या मारवाड़ी बोलेंगे गुजराती तो कम होंगे यहाँ पे कलकत्ता है और हम लोग करते हैं कई बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होता है एक बार कच्चे में बोला पैसा बना लो क्योंकि फिर बाद में पक्के में करेंगे बोले फिर बोला बाब अब मेरा हो गया मेरे को कच्चे में जितना महीने का चाहिए जितना मेरे को फॉरेन ट्रैवल के लिए चाहिए कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए या आ गया पैसा अब अपन करते हैं पक्के में फिर वो धीरे धीरे कंप्लायंस में आ जाता तो ऐसे बहुत लोग हैं ऐसी कंपनियों में भी वो दिखता हो नेचर धीरे धीरे अब मगर कंपनियाँ ये समझने लग गई कि मार्केट कैप बढ़ाना है कंप्लायंस बढ़ाना है सिस्टम्स को और मजबूत करना है वो लोग जितने से जितने टेक एनेबलमेंट होते हैं सब कर रहे हैं मतलब आई एम इन टच कई बार हम लोग छोटी छोटी कंपनी को सुनते हैं देखते हैं और अभी भी मैं आ रहा हूँ एक कंपनी विजिट करके आ रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोग काम नहीं कर रहे हैं भले मतलब छोटी कंपनी हो और बड़ी कंपनी की तरह करते हैं और कई बार क्या होता है हम लोग बड़ी कंपनी इसीलिए मान लेते हैं कई बार वो बहुत ज़्यादा डेट्स लेके भी बहुत बड़ी हो जाती है एंड एक चीज़ है कि निफ्टी में अभी भी वो कंपनी आ जाती है या निफ्टी फिफ्टी निफ्टी हंड्रेड में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप की क्राइटेरिया अभी भी मार्केट कैप है कई फैक्टर्स होने चाहिए जैसे मैं एक स्कोर बहुत देखता हूँ प्योत रॉस स्कोर उस स्कोर को देख के अगर कोई अगर अगर एक्सचेंजेस को हालांकि मैंने रेकमेंड भी किया कि उस तरीके से कुछ आप लोग निफ्टी में स्टॉक्स को लीजिए अब कोई कंपनी कोई ग्रुप अगर छः लाख करोड़ रुपये ब्याज पर लेके मार्केट के बढ़ाई ली बढ़ी जाएगा ना छः लाख करोड़ से कुछ ना कुछ तो है ये बुक वो तो जो हो रहा है बाद में कमाएगी नहीं कमाएगी भले ही डेढ़ सौ का पी मल्टीपल हो कुछ पता नहीं चलता सो वी हैव टू बी मैं एक प्रोसेस ड्रिवन एक रिसर्च की कोशिश किया हूँ जो मैं जैन साहब के जेम्स में फॉलो करता हूँ क्लियरली मैं आज हैश टैग जेंट्स आपके जेम्स मुझे पता है कि सब लोग मुझे एक ही सवाल पूछेंगे लास्ट में तो मैं तीन पिक लाया हूँ इसलिए मुझे झेलिएगा <laughs> मुझे प्लीज़ झेलिएगा आप लोग आप लोग भले नींद आ जाए जो भी आ जाए मैं लोग झेलना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट में दूंगा एकदम लास्ट लाइन में विद द डिस्क्लेमर एकदम पूरा एकदम तो तब तक आप लोग झेलिएगा बट ये मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा बड़ा है आप लोग बोल दीजिएगा बट मैं कई चीजें स्किप करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू के जो तीस चालीस जो मेरी ये स्लाइड्स वो सर ने कवर कर ली सो माई जॉब इज हाफ डन एंड मैं उनसे अच्छा नहीं कर सकता था दैट्स फॉर श्योर चलिए आई थिंक विल रिमोट जा रहा है ओके ओके ठीक है मैं मेरी कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा बट प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा इट्स मैंडेटरी कि मैं मेरी कंपनी के बारे में बताऊं बट वी वेर फर्स्ट ब्रीड ऑफ कमोडिटी ब्रोकर्स इन द कंट्री वी स्टार्टेड एज कमोडिटी ब्रोकर्स एंड देन हम लोग राजस्थान में टेक एनेबलमेंट पे बहुत फोकस किए थे सो दैट रियली हेल्प डस ग्रोइंग इन राजस्थान फिर इंडिया में भी है बट राजस्थान में थोड़ा सा नाम ज़्यादा चर्चित है अब जैन साहब के जेम्स की वजह से मेरा नाम जरूर चर्चित है और पीछे मैं ट्रेडशिप्ट का बैनर लगाता हूँ तो ट्रेडशिप्ट जानते हैं बट एनी वेज वी आर ट्राइंग हार्ड बट थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्रोकर ऑल्सो नाउ मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ दीरो ब्रोकरेज वाली फॉर्म्स बहुत डिफिकल्ट हो गया सो so, सब लोग अब धीरे धीरे वेल्थ मैनेजर ही बनेंगे या फिर प्रॉप डेस्क चलाएंगे और कलकत्ता को यह पहले से पता था इसलिए यहां पर सब प्रॉप डेस्क ही चलाते हैं क्लाइंट वाले ब्रोकर यहां पर कम दिखते हैं अरे यार बोस एक बार हेल्प कर दो यार मुझे थोड़ा एक बार फ्लो बता दो टेक्नोलॉजी समझ में पूरी आती है मगर ओके राइट साइड से ना ये ऊपर वाले से ना। ओके। okay. एक मैंने ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आप ये देखिएगा बहुत सिंपल स्लाइड है बट ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में एक ही स्लाइड में पूरी इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सारे इसमें इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सर ने भी बताई वो है छब्बीस परसेंट का कैगर मतलब अगर आपका पैसा दस साल में छब्बीस परसेंट से ग्रो करता है तो वो कितना होता है दस साल में सर ने पच्चीस परसेंट का एग्जाम्पल दिया था मैं छब्बीस का दे रहा हूं बताइए प्लीज आप लोग बींग सी एज आई रियली वॉन्ट दिस आंसर ये बहुत कॉमन घिसा घिसापिटा मेरा डायलॉग है हर जगह मैं पूछता हूँ हर जगह बताता हूँ हर वीडियोस में 26 परसेंट की कैगर की बात करता हूँ छब्बीस परसेंट में तीन साल में तो डबल होएगा चौबीस परसेंट से हो जाता है रूल ऑफ सेवेंटी टू से बट छब्बीस परसेंट से दस साल में पैसा दस गुना हो जाता है फिर फिर वो जो नेक्स्ट छब्बीस साल है आ, दस साल है, अगर उसमें वापस से आप छब्बीस परसेंट से ग्रो कर देते हैं तो वो सौ गुना हो जाता है और फिर वापस से नेक्स्ट दस साल अगर आप उसी को कैरी करते हैं तो वो पैसा हजार गुना हो जाता है तो ये यही स्टॉक मार्केट है जहाँ पे कंपाउंडिंग करके टैक्स का बेनिफिट्स लेते हुए कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नॉट टू बी टेकन नाम बट आप लोग सब एग्जाम्पल्स आप लोग के सामने कैसे वो लोगों ने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की है अब तो चलिए फेबर दो हजार अट्ठारह के बाद तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगने लगा बट उसके पहले तो एग्रीकल्चर से ज्यादा बेहतर इनकम थी है और हम लोग खाली ट्रेडिंग कर करके खोते थे तो इसमें देखिए फिक्स डिपोजिट पोस्ट ऑफिस स्कीम्स प्रोविडेंट फंड पी पी एफ आप लोग सीए तो पी पी एफ तो जरूर से आप लोग भी बेचते ही होंगे क्लाइंट्स को क्रॉस सेलिंग करते ही होंगे या इंश्योरेंस करते होंगे कई लोग करते हैं मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ बट ये अच्छा है ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है एक बार ये डेढ़ लाख की लिमिट पूरी हो जाए बट मैं तो इसमें भी लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग ई एल एस एस लीजिए वो ज़्यादा अच्छा है अगर आप टैक्स बेनिफिट भी लेना तो म्यूचुअल फंड के ई एल एस एस से ले लीजिए भले ही वो हर साल इकतीस तारीख को डालिए कोई बात नहीं है या पच्चीस मार्च को डाल दीजिए बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर जगह इक्विटी का ओरिएंटेशन हो फिर मैंने इक्विटीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं तो स्टॉक मार्केट और आईपीओ फिर म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फ़ंड्स में आप सेक्टोरल इक्विटी फंड्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स फिर एक आजकल पीएमएस और एआईएफ जैसे कि हमारे सामने दिग्गज पीएमएस रन करने वाले बसंत महेश्वरी सर बैठे हुए हैं तो पीएमएस में अब जैसे किसी के पास पाँच हज़ार रुपया तो वो म्यूचुअल फंड की एस करे दस लाख से ऊपर कैपिटल हो तो थोड़ी बहुत सीख के वो इक्विटी कर सकता है मैं तो वो भी बोलूंगा कि नहीं करे अगर आपके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है प्रोफेशन में ज़्यादा है तो मत कीजिए तो आप और उससे ज्यादा पैसा वाला रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो ए कर लीजिए फिर अगर आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना तो मैं बोलूंगा कि सॉबरेन गोल्ड बॉन्ड्स कीजिए सॉबरन गोल्ड बॉन्ड की खास बात यह है कि ये जो 50 50 परसेंट वाली जो ये मार्जिन वाली जो प्रॉब्लम शुरू हुई है ना अभी इसमें सॉबरेन गोल्ड बॉन्ड्स पूरा एक्सेप्टेबल है एज 50 परसेंट ऑफ देट कोलैटरल मतलब कैश एफ और सॉबरन गोल्ड बॉन्ड्स और लिक्विड फंड्स ये सारे के सारे वो 50 कैश कंपोनेंट में चले जाते हैं बाकी का आप जो शेयर लेके जो कोललेटरल लेके करते हैं तो ये 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 सब चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लगेगी बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्लाइंट से इंटरेक्ट करके या जो हमने इम्प्लीमेंट कर करके सीखा है फिर उसके बाद आ, गोल्ड के बाद अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की तो कमोडिटीज़ में भी आजकल ए आई आ गए हैं और कमोडिटीज़ में गोल्ड सिल्वर तो सब लेते ही हैं उसमें कोई बात ही नहीं होती कि गोल्ड की भी एक वैल्यू है अपनी पाँच से दस परसेंट ले हो सकता है भी सिल्वर और गोल्ड का रेशियो सौ साल के सबसे ख़राब लेवल्स पे है 1915 में एक बार हंड्रेड टाइम्स हुआ था उसके बाद अब भी ऑलमोस्ट हंड्रेड टाइम्स हो गया था दिवाली के पहले और उसके बाद अब वापस से सिल्वर थोड़ा सा आउटस्मार्ट कर रहा और गोल्ड थोड़ा सा पीछे चल रहा तो हो सकता है कि सिल्वर कैन वर्क सिल्वर की एक इंडस्ट्रियल यूज़ भी है गोल्ड की इमोशनल वैल्यू बहुत बड़ी है बट ठीक है पाँच परसेंट दस परसेंट वो भी चाहिए पोर्टफोलियो में बट अगेन ये सारी चीज़ें आप कैपिटल मार्केट से ले सकते हैं आपको अगर प्रॉपर्टीज़ लेनी है तो मैं ये बोलूँगा कि प्रॉपर्टी घर के अलावा ऑफिस के अलावा और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसा आप फार्म हाउस ले लिए और एक इनकम जनरेट करनी है तो वेयर हाउस ले लीजिए बट उससे भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कितने लोगों ने आरआईटी में पैसा लगाया हुआ है यहां पे एक दो आपके पास तो प्रॉपर्टीज भी बहुत है सर <laughs> दो ही जनों ने ओके okay. इनविट में कितने लोगों ने लगाया हुआ है दो तीन ये बहुत कम है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने मिस किया ये हम लोगों ने तैतीस रुपए में इनविट दिलवाया था आईआरबी इनविट ये बात कर रहा हूं मैं मार्च अप्रैल 2020 में एक बार इनविट पूरा टूट गया था क्यों टूटा क्योंकि उसमें जो टोल कलेक्ट करते वो रोड उसके अंदर थे उस पर्टिकुलर पूल में इनविट इज नथिंग बट अ म्यूचुअल फंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो आई, आई का नाम था तो थो थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा चलता था बट अब आई हालांकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं है फुल्ली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है बट अब आई जो है वो भी एक अलग टाइप की कंपनी हो गई है फिर उसमें जो इनविट्स है वो डिस्काउंट इतना बड़ा डिस्काउंट चल रहा था और प्लस कैश फ्लोज उस तैंतीस रुपए में जिन्होंने लिया आज इन्विटर चौंसठ रुपया भाव दो साल में और प्लस उसमें कम से कम आई थिंक बाईस तेईस रुपया डिविडेंड आ चुका है एक रुपया अस्सी पैसा डिविडेंड देते हैं और एक रुपया आपका कैपिटल रिटर्न होता है तो ये इन्विट प्रोडक्ट है तो आप लोग इन्विट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कई बार साठ साल पैंसठ साल वाले क्लाइंट्स आते हैं जिनको रिटायरमेंट के साठ साल पैंसठ साल में कोई आदमी बुजुर्ग नहीं होता ये फॉर श्योर है क्योंकि सत्तर पिचहत्तर तक आदमी बहुत अच्छे से काम करता है अगर तबीयत से और इज्जत से जिंदगी जीता है तो एक्सरसाइज करके या पूरे वो मैं उसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा फिर मैं यही मैं इन्विट्स की बात कर रहा था और ये सारी चीजें मतलब ये बेसिकली रियल एस्टेट की है फिर ये थम इन्वेस्टिंग के थम रूल जो रूल ऑफ सेवेंटी टू जो किसी ने कहा था ये मैं स्लाइड्स में दे के जाऊंगा ये प्रेजेंटेशन आप लोग प्लीज रेफर कर सकते हैं तो मैं इसीलिए फॉर द सेक ऑफ द प्रेजेंस ऑल्सो मैंने स्लाइड्स को रखा है पोस्ट क्राइसिस अपॉर्चुनिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जब भी भी मार्केट्स टूटते हैं मतलब लोग ऐसे भाग जाते हैं इसमें मैंने दो तीन स्लाइड्स अभी हटाई भी है जो मैंने गोवा में एक सेमिनार हुआ था मैंने उसमें दिया था वो मतलब कुछ ग्लोबल चीजें हैं मतलब मैं तो हर चीज़ नंबर से करने की कोशिश करता हूँ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे सब्जेक्टिव ओपिनियन तो देखिए एंडलेस है अमेरिका का सब्जेक्टिव ओपिनियन अलग होता है इंडिया का अलग होता है मैं एज एन इन्वेस्टर मेरा अलग होगा मेरी टाइम फ्रेम अलग होगी तो हर आदमी की अलग अलग है बट कुछ चीज़ें हैं कि मार्केट का पी मल्टीपल क्या चल रहा है मार्केट का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल गिरते गिरते कहाँ तक आ गया एक समय था छः की निफ्टी की पुट मतलब मैं मार्च अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ वो भी एक टक्के पर बिक रही थी और जब निफ्टी 8000 थी मतलब कैन यू बिलीव दैट उस टाइम पे लग रहा था क्या 6000 आ जाएगा क्योंकि लोग बोलते थे वो बात अलग है बट सात हज़ार चार सौ ग्यारह से वो घूम के वापस से आठ हज़ार आ गया तो जितना होना था उससे बुरा तो होना नहीं कि दुनिया पूरी बंद हो गई फिर धीरे धीरे सब खुलने लगे थे तो फिर वो आईटी स्टॉक्स चलने लगे फिर वो धीरे धीरे फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं फिर धीरे धीरे ये ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स चलने लगे बैंक्स बंद नहीं हुई थी तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बंद थी वर्क फ्रॉम होम वाली तो ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती है और ये मैं हर ये स्लाइड देखिएगा आप और ये नीचे जितनी बार लिखा हो ना जितनी बार मैंने डेट्स लिखी हुई है हर बार ये प्रेजेंटेशन में मैं डालता हूँ हालांकि आज वाला डाला कि नहीं पता नहीं मैं क्योंकि यहाँ आ गया था कल ही तो जनरली हम लोग लास्ट डेट तक लिखते हैं और क्या लेवल रहा है जितनी बड़ी क्राइसिस आएगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके बाद आएगी तो जिसने अभी पैसा कमाया है वो जो रिटर्न अभी भी बने दो हज़ार अगर अप्रैल में दो में किसी ने पैसा डाला तो उसकी तो आदत ख़राब हो चुकी है अब आगे बनने वाला नहीं है उतना बट जो भी हो हाँ अगर कोई कोरोना की जगह पे कोई मोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए तब अलग बात है चाइना कुछ और कर जाए बट अभी तक तो यही लगता है कि हमें हमेशा ढूंढना चाहिए क्राइसिस ये सारी जितनी बड़ी क्राइसिस है हर्षद मेहता स्कैम गल्फ वॉर नाइनटीन सेवन डॉट कॉम बबल इलेक्शन के रिजल्ट सब कुछ डाला हुआ है इसमें ये फुल टाइम इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कितने लोग यहाँ पे सी फुल टाइम करते हैं और फुल टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग फुल टाइम सी एज गलत हाथ उठा रहे हो गलत हाथ उठा रहे हो आप लोग <laughs> आप लोग ट्रेडिंग पक्का करते हो भले <laughs> वो तीस परसेंट ऑफ द टाइम हो सवा नौ बजे साढ़े नौ बजे मुझे कितने लोगों ने नहीं देखा यहां पे, <laughs> आपने नहीं देखा तब तो <laughs> तब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी <laughs> तो सब लोग देखे हैं ना कुल मिला के सो so, कुल मिला के सब देखते हैं मतलब टीवी और सब शेयर मार्केट में है तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ देखी है डोंट टेक इट अदरवाइज मैं लास्ट टाइम भी बोला हूँ और मैं कम से कम ये आठवीं बार सी के बीच में सेमिनार कर रहा हूँ पिछले डेढ़ साल में सी आई आर सी एन आई आर सी हर जगह जा रहे हैं अभी उदयपुर जाना सात जनवरी को आपके पास दो बार आ गया जयपुर में दो तीन बार कर लिया क्लोज़ ग्रुप ऑफ़ सी में भी बात करते हैं सब लोग एक्चुअली ट्रेडिंग पर बहुत फोकस करने लग गए हैं सी लोग और मोदी जी हो गए परेशान एकदम इसलिए वो एक दूसरा एक और कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे यहाँ पे अभी सब लोग नॉट ओनली सी हर प्रोफेशन के लोग मतलब सब लोग शेयर मार्केट में मैं परसों कोई शादी में था सुनील शेट्टी मिल गया तो मेरे को इंट्रोड्यूस कराए कि सर ये ज़बरदस्त स्टॉक्स देते हैं जैन साहब के जेम्स सुबह सुबह बोला रहे वाह मतलब ये लोग का ही दिन चल रहा है आजकल तो स्टॉक मार्केट ही चल रहा है मतलब वो भी फुल इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में सब लोग सब लोग लगे हुए हैं एक्टिंग करो बट चलो वो तब रिटायर्ड हो गया एक्टिंग नहीं करता है बट लगे हुए हैं लोग एकदम तो शेयर मार्केट में सब लोग लगे हुए हैं साढ़े पाँच करोड़ तो पक्के में है डब्बे में और कच्चे में कितने हो पता नहीं क्योंकि कई बार गांव में और यह सब में मैं भी आसाम से हूँ गांव से तो हमें पता है कि फिजिकल शेयर्स पड़े हैं और आज एक मैं कंपनी के पास गया छः हज़ार बोले फोलियोज़ हैं मेरे पास और दो हज़ार लोग इनएक्टिव इन्वेस्टर्स है बोले दो हज़ार इनएक्टिव इन्वेस्टर्स बोला सबके पास पड़ा पुराना बस क्योंकि नाइन्टी फोर का आई पी ओ था भाव आया नहीं भाव आता तब निकलता माल भाव आया नहीं तो पड़ा है बस वो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बट एनी फुल टाइम इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को स्किल्स जो लर्न करनी पड़ेगी अगर इतनी सारी स्किल्स लर्न करने के लिए रेडी हैं तो फुल टाइम कीजिएगा नहीं तो अपना सी ठीक है फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी चाहिए पूरी मतलब बहुत जरूरी आप लोग को आता है बाई डिफॉल्ट बिकॉज आप लोग हम तो हमारी टीम में सीए और सीएफए एफ मैंडेटरी कर रखी है कि भाई सीए सीएफए आए तो पहले ही रख लो और हम सीए भी पूरा कंप्लीट सीए नहीं रखते हैं क्योंकि फिर क्या ऊपर लग जाते हैं <laughs> फिर वो इधर उधर भाई बड़ी कंपनियों में जाने का और बॉम्बे जाने का और वो रहते हैं हम लोग रखते हैं भाई जो इंटर्न किया हुआ हो क्योंकि सिखा तो होता ही है तब तक तो जितनी शेयर मार्केट के लिए सी चाहिए उतना तो बन जाता हो बाकी हम सिखा देंगे और आजकल एक बात और कह दूँ रिसर्च इतनी ईजी कभी भी नहीं थी जितनी अभी हुई है पहले सर आपने तो बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी काम किया हुआ है पहले वो लोग की जागीर थी वो मैं पहली बार जब इंटरव्यू देने गया ना टीवी पे तो मैं डर गया एकदम 2009 की बात है और बैंक ऑफ राजस्थान के ऊपर मुझे बनाना मेरी हालत खराब उस टाइम पे हमारे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च का एक बैकअप नहीं था और होता भी नहीं है चिकन एक स्टोरी होती है पहले काम आए फिर करेंगे कमोडिटीज़ में थे बट बोलना आता था समझना आता था तो उस टाइम पे मिलती नहीं थी रिपोर्ट्स और ये आपके क्या नाम रॉयटर्स ब्लूमबर्ग इन्होंने मतलब मजाक बना रखा था पैसों का अन्नाप शनाप पैसे ले रहे और आज आपके कलकत्ता से एक बहुत बड़ा ऐप है स्टॉकेज जबरदस्त ऐप आई रियली यूज इट एवरी डे स्क्रीनर डॉट इन है ट्रेंड लाइन डॉट कॉम है और कितने आ रहे हैं मतलब एक तो ऐसा प्रेजेंटेशन दे के गया मुझे परसों अगर वो आ जाएगा तो बवाल मच मत जाएगा मतलब मतलब आपको पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए आपको प्रेजेंटेशन बनाने वाले लोग नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए सब कुछ ऑटोमेटेड बस वो आने वाला पाइपलाइन में दो महीने के अंदर आ जाएगा सारे एसेट क्लासेस के डेटाबेस के साथ वो आ रहे हैं और चार लोग मिलकर आए हैं और सारे अलग अलग इंडस्ट्री के धुरंधर लोग तो इसलिए एक बार स्ट्रक्चर हो जाए वो आएगा तब बवाल मचाने वाला बिलीव दिस जयपुर का ही बंदा है बट आई कैन सी दैट कि वो मतलब आपके प्रेजेंटेशन आपका सब कुछ जो ऐसे एक बड़ा बड़ा मतलब 40 लाख 50, 50 लाख का पैकेज वाला एमबीए रखना पड़ता है और जो बनाते हो वहां पे एक मिनट में क्लिक और बटन में आपका पूरा निकल जाएगा एवरीथिंग इज एल्गोरिथमाइज्ड आजकल आपको कोई भी पैराफ्रेजिंग करनी हो तो पैराफ्रेजिंग जैसे आप लोगों को कॉपी करना हो तो कैसे करते हो किसी और की लैंग्वेज को हैं गुड को बेटर लिख दिया या स्ट्रॉन्ग को कुछ भी लिख दिया रोबस्ट लिख दिया इसके भी सॉफ्टवेयर आते हैं पैराफ्रेजिंग बोलते हैं बच्चों को पूछे अब एक मिनट में आंसर कर देगा सबसे छोटा बच्चा कोई भी नहीं है यहाँ पे मतलब इलेवेंथ जो इलेवेंथ ट्वेल्थ और ये मेरा बेटा पूरा यही दिन भर काम करता है वो लोग दिन भर यही करते हैं कि पैराफ्रेजिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और प्रेजेंटेशन बना देते हैं मस्त तो लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है अभी तो खाली ये जुगाड़ कहां से कर सकता यही काम है बस तो वो एक क्विलबॉट डॉट कॉम बोल के एक कंपनी क्विलबॉट डॉट कॉम जयपुर का एक बच्चा मतलब जयपुर का रूट्स है रहता है यूएस है बट अब जयपुर में ऑफिस खोल रहा है और दो बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है वो लोग उस टाइप की भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल रहे हैं पैराफ्रीजिंग का तो आपको आपके हिसाब से बोले रिसर्च रिपोर्ट बनानी है बनानी सब हम लोग को थोड़े दिन बाद आप सुनना ही बंद कर दोगे सीरियसली बोल रहा हूँ मतलब मेरे को तो भयकर थ्रेट लग रही है इतने अगर टेक एनेबलमेंट हो जाएगा <laughs> फिर तो क्या बाल काले करो ये करो और अलग तरीके मतलब सफ़ेद करो कुछ अलग अलग बातें करो तब अपने को सुनेगा कोई आदमी <laughs> वो पहले आता था ना कि एनलिस्ट एकदम वो डॉन की तरह आता था फिर वैसा कुछ करना पड़ेगा एनी नॉलेज अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं यार मैं तो फंडामेंटल देखता हूं मैं टेक्निकल नहीं देखता बिलीव मी टेक्निकल देखना उतना इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज सीखिए बहुत ज्यादा नहीं सीखना है। मैं बता दूंगा आपको क्या चाहिए पांच चीजें देखो बट देखना जरूरी है ऑप्शन एंड फ्यूचर्स को समझना बहुत जरूरी है उससे आपको लेवल्स पता चलता है निफ्टी के कहां पे रेजिस्टेंस है कहां पे सपोर्ट है ए, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है बिलीव मी आप लोग सीए और आप लोग नहीं समझ रहे हो मैं ऐसा मान नहीं सकता सी से अच्छे ब्रेन्स मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में कोई होंगे मतलब मैंने सी इसलिए नहीं किया कि मुझे डर था कि मेरी शादी नहीं होगी टाइम पे बिलीव में <laughs> मैं एम इन फाइनेंस कर लूँ मैंने के जे सुमैया से एम किया क्यों किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था सी का पता ही नहीं है तो स्टॉप लॉस तो यहाँ लगता ही नहीं है एम में स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट दो साल का घुसने में तकलीफ होती है निकालते तो लोग धक्का मार के आप फेल हो जाओ ग्यारह सब्जेक्ट में तो भी वो निकाल देंगे क्योंकि उनको उनका इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना है तो भले वो कोई भी इंस्टीट्यूट तो इसीलिए तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे मैं वापस से आता हूँ बाद में डेविएट करते करते बहुत टाइम लग जाएगी गपियाने में तो सीखिए जरूर से आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं सिंपल चीज़ है कुछ कैलकुलेशंस है पुट राइटिंग सब लोग करते हैं पुट राइटिंग कितने लोग करते हैं यहाँ पर ब्याज खाने का काम मतलब जो पुट राइटिंग कर रहे हैं वो एन रन कर रहे हैं एक तरीके से और इंश्योरेंस कंपनी रन कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी विथ एन बी एफ सी एटीट्यूड ऐसा ही है ना कि भाई हर महीना तीन टक्का चार टक्का कमाना है बट वो आता है एक साथ जाता भी है फिर उसकी रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं एक्चुअलीज बन जाते हैं अपन अपने आप पहले ऊपर का नीचे का मैनेजमेंट रोल ओवर हो जाता है वीकली करो इतने का बेस दो आगे का जोड़ा प्रीमियम सेम रखना है हाँ हमारी एक्चुअली में हमारी दुकान तब से ही चलने लगी है जुलाई जुलाई 2016 में आया था बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एंड इट हैज चेंजड एंड उसके बाद फॉर्चुनेटली हम लोगों के साथ कोई ऐसी टीम लगी और हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट डेवलप किए मतलब हम लोग सिस्टमेटिक ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस करते हैं उन सालों में तो गजब के रिटर्न आए फिर धीरे धीरे वो इवन आउट हो जाता है फिर समझ में आए कि रिस्क है इसमें लिवरेजिंग कम की फिर दूर के इंश्योरेंस खरीदने लगे ओटीएम्स क्योंकि डर लगता है भाई कहीं गैप डाउन गैप अप फिर उसमें विक्स का डाल देते कि भाई बीस के ऊपर विक्स हो तो पोजिशन साइजिंग अलग हो जाती है सब चीज़ ऑटोमेटेड और एल्गोरिथमाइज हो गई इट इज नॉट एक्जैक्टली एल एल्गो बट एक मतलब एट्टी परसेंट एल्गो जैसा ट्वेंटी परसेंट लास्ट में कोई मैनुअल हो रहा था तो उसमें खूब पैसे बने लास्ट चार साल पांच साल में और अभी भी वो पच्चीस से तीस परसेंट के क्या घर पर है आई विल शो यू दैट स्लाइड ऑल्सो तो ऑप्शन राइटिंग और उसमें अगर आप कोलेटरल में शेयर्स दे दो और वो भी मिड कैप स्मॉल कैप तो आप देखो कैसा एकदम सोने पे सुहागा हो जाता है हाँ तो 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 हाँ हा, उसमें भी है वो मुझे समझ में कम आता है बट मैंने सुना है ऐसा उस पर आपसे सुनूंगा मैं ऑफ मतलब कॉफी पीते हुए <laughs> फिर रीड एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो नहीं भी पढ़ो तो माइक्रो जरूर पढ़िएगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज जैसे आप लोग के क्लाइंट्स हैं ये लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि नहीं पिछली बार मुझे बोलने का थोड़ा मौका कम मिला था इतने बड़े बड़े दिग्गज सामने बैठ गए थे तो मैं डर गया था एक्चुअली तो मैं ज़्यादा बोला नहीं था <laughs> नहीं बोला क्या था जो पूछ रहे थे वही जवाब दे रहे थे वरिंदर जी थे बग्गा जी थे भसीन साहब थे फिर मैं एकदम दब गया एकदम छोटा सा बच्चे की तरह <laughs> तो उन दिनों में ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे बट मैं एक एडवाइस दूंगा आप लोगों को करते भी होंगे आप लोग मैंने जयपुर में इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज आप लोग के सबके पास डेढ़ सौ दो सौ क्लाइंट्स होंगे कईयों के पास, पास लिस्टेड कंपनीज भी क्लाइंट्स होंगे कितनों के पास लिस्टेड कंपनीज है जो क्लाइंट है एक दो तीन चार पांच बहुत कम है वो लिस्टेड कंपनीज में से आ, मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप पांच सौ करोड़ के ऊपर की है कोई एक दो ठीक है तो वो पांच सौ करोड़ वाली कंपनी जो नाम नीचे है आप लोगों ने पूरी एनालिसिस की भी होगी आप लोगों को प्रमोटर अच्छा लगता है या आप लोगों फोर्सफुली कई बार साइन करवाता है <laughs> अब तो करते नहीं आप लोग भी डोंट वरी बट वो जो 500 uh, करोड़ के ऊपर वाली कंपनी है उसमें आप लोग इन्वेस्टेड है क्यों वाइफ के नाम पे कीजिए ना आप कोई दिक्कत नहीं है इंडिपेंडेंट uh, अगर है वाइफ तो आप वाइफ के नाम पे कर सकते हैं कोई रोका नहीं है आपको वाइफ इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑल टूगेदर लोग तो कई बार वाइफ के नाम पे नहीं खरीदते बोले कल को डिवोर्स हो जाए आफत हो जाएगी <laughs> तो इसीलिए बहुत बड़ा रूल है ये कि वाइफ के नाम पे भी ज़्यादा नहीं खरीदते हैं अपनी अकाउंट में लो जो लेना है बट कई बार वो भले वो 40 परसेंट के ब्रैकेट में पड़ रहा हो बट एनी वेज नहीं <वेस। laughs> मेरा एक्साम एक जो भी एग्जाम्पल्स होंगे मेरे एकदम देसी एग्जाम्पल्स एक हैं मैं जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ <laughs> सारी चीजें फिर कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज ये तो होना ही चाहिए कंपनी स्पेसिफिक देखिए जो सी है सी है उनको जितनी होगी वो किसी को नहीं हो सकते उस कंपनी के सी एस को तो आप लोग अपना एक सर्कल बना सकते हैं इनडिरेक्टली आप लोग डिस्कस कर सकते हैं हर चीज़ को कम्पलायंस में कीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कंप्लाइंस को डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा ये मेरा मैं रिसेंट कुछ एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूँ जो हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं मतलब कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग तो कंप्लाई करते ही ओवरऑल और करिएगा फिर टैक्स एफिशिएंसी आप लोग से बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता है बट इसके ऊपर भी हम लोग ज्ञान देते हैं कि भाई आप एच में कर लो कई लोग आते हैं मैं तो मेरी सैलरी इतनी है अस्सी लाख का पैकेज है मेरे खूब लग रही है तो टैक्स लगता है तो मतलब वाइफ के अकाउंट में कर लो अरे वाइफ तो रिटर्न ही नहीं बढ़ती है तो मतलब पैन कार्ड लेके भरो अब उसको समझाने वाला ही कोई नहीं है एटलीस्ट कई कंपनियां तो ऐसी भी होती है नहीं कच्चे में दे देती है वाइफ के नाम पे सैलरी दे देती है बट बड़ी कंपनियां नहीं देती एमएनसीज़ हैं बट अपने जो सपोज कलकत्ता के या जयपुर के आसाम के या जो भी है कई कंपनियां दे देती है एच है या नहीं है एच में कमीशन इनकम टफ होता लेना बट एच यू एफ इज़ वन थिंग हर आदमी को हम लोग एडवाइस करते कि प्लीज़ आप लोग एच यू एफ़ बना के उसमें ट्रेडिंग करो क्योंकि इंडिविजुअल में कई बार क्या होता है आपका सिविल स्कोर जाता है सबसे पहले कोई भी आएगा आपका एच यू एफ़ पर तो उसकी नज़र नहीं जाएगी इंडिविजुअल की फाइल पे जाएगी आप होम लोन लेने जाते हो तो ज़्यादा अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं उसको नेगेटिवली लेता हूँ मैं पर्सनली देखता हूँ अगर कोई आदमी ज़्यादा जैसे एक कंपनी थी वो खाड लिमिटेड नाम ले लिया मैंने उन्होंने फॉरेक्स की ट्रेडिंग में ज़बरदस्त पैसा खोया बहुत बड़ी कंपनी खुराकी वाला ज़बरदस्त उनका एक एशियाटिक बोल के एक स्टोर हुआ करता था चर्च गेट पर एक बहुत ही मतलब पुराना नाम मतलब एशियाटिक जाते तो मज़ा आता था बहुत पुराना ग्रुप मगर वो स्पेकुलेशन क्योंकि क्या होता है वो लोग हेजिंग करते करते स्पेकुलेशन में आ जाते हैं क्योंकि वो सोचे कि हम लोग भाई एक्सपोर्ट्स को हेज कर ले बट वो लास्ट में उसी में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो टैक्स एफिशिएंसी के लिए हम लोग एच है बताते हैं उसके बारे में मैंने 360 डिग्री की दो स्लाइड है मेरे पास वो स्टॉप लॉस क्या मेरा बता दीजिए पांच दस मिनट बढ़ा के बताइएगा फिर मैं उसी हिसाब से बातें करूंगा कौन बताएगा फोर फाइव जीरो तो पांच ही मिनट बाकी है पांच बेसिक <laughs> अकाउंटिंग फिर ये यूजिंग स्प्रेडशीट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल को जितना कोई यूज करेगा ना उसका एक्सेल मतलब अब स्प्रेडशीट हो गया या पावर भी आई आजकल आ गई है जो मुझे भी नहीं आती है बट हमने कुछ कुछ इंप्लीमेंट किया हमारी रिसर्च मेरी पूरी रिसर्च को मैंने एक्सेल पे ऑटोमेटेड कर रखा है पूरा मेरा मैनेजमेंट एक्सेल पे ऑटोमेटेड है अब मगर जो आदमी का मैंने अभी बता रहा हूँ वो जब वो आएगा सॉफ्टवेयर तो मेरे को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्होंने वो सारे प्रिंसिपल उसमें डाल दिया फिर आपका लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी सुबह रोज़ अगर योगा करता है या रनिंग करता है वो ट्रेडर भी अच्छा बनता है टाइम पे जो उठने वाला टाइम पे सोने वाला दो मैं दोनों ही अच्छे से नहीं करता मैं टाइम पे नहीं सोता बट एनी ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट अगैन सेल्फ रिफ्लेक्शन इंक्विजिटिव थिंकिंग हर चीज़ में इंक्विजिटिवनेस चाहिए फिर इमोशनल कंट्रोल ये अब इमोशनल कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एल्गो जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है थ्रू सिस्टम्स हम लोग करने लगे क्योंकि कैश मार्केट में फिर भी इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो बट एफ में जब वो रिजल्ट फास्ट होते हैं एकदम फार्मूला वन के स्टाइल में होता है ऊपर नीचे जब मार्केट टूटता और बढ़ता है तो उस टाइम पर डर लगता है ये हम लोगों ने क्वेश्चनर बना रखा रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर में जनरली मेरे पास जब बड़े क्लाइंट्स आते हैं तो उनको हम लोग सब कुछ पूछते हैं एफ की नॉलेज कितनी है कितना इन्वेस्टेड है इंश्योरेंस ले रखा है गया फिर उसने अगर आप ग्रीक जानते हो गए अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो थीटा गामा डेल्टा क्या समझता है वो समझते हैं फिर ये समझते हैं कि वो बिज़नेसमैन है तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या उसके पीछे बहुत बड़ी टीम है ट्रेडर है तो कितने लोग उसकी टीम में बैठे हुए हैं दो चार पांच आदमी असिस्ट करने के लिए है या नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सारा काम एक साथ नहीं कर सकते टॉयलेट भी लगती है खाना भी खाना पड़ता है उस समय मार्केट क्रैश कर जाता है कई बार तो ऐसा भी हुआ हुआ है लोगों के साथ तो आपको टीम जरूरी है फंडामेंटल्स सारी न्यूज़ को आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं कई बार कॉरपोरेट एक्शन ऐसे ऐसे आते हैं जिसकी एनालिसिस करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है शादी ब्याह रोज़ हो रहे हैं डिसम्बर के महीने में तो शाम को टाइम ही नहीं मिलती है दिसंबर की मतलब नवंबर से लेकर जनवरी चौदह तारीख तक टाइम ही नहीं है किसी को तीन तीन लाख चार चार लाख शादियाँ हो रही है ग्यारह लाख कितनी भी हो रही है तो सबके हिस्से में कुछ तो पड़ती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो हम लोग ये फाइनेंशियल फ्रीडम और रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर भरवाते हैं देन चैलेंजेस टाइम मतलब डायरेक्टली ट्रेडिंग करने की टाइम है ऑक्यूपेशन के साथ आप अब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जो कि बहुत ख़राब चीज़ है अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आप सपोज आपके ऑक्यूपेशन से पचास लाख रुपये कमा रहे हो और आप अगर समय ज्यादा दो और प्रोएक्टिवली नॉट रिएक्टिव समय कि बैठे हैं बस ठीक है आ गया तो ठीक है धंधा दुकानदार लोग जैसे करते हैं प्रोएक्टिवली आप अगर उसको बढ़ाने की सोचते हो ट्वेंटी परसेंट की क्या अगर वहां लाते हैं तो आप दस लाख रुपए उसमें कमाते हो बट अगर वही आप शेयर मार्केट में साढ़े नौ बजे साहब के जेम्स देख के स्टॉक लेते हैं या दूसरा कुछ करते हैं और आप शेयर मार्केट में अगर एक करोड़ रुपया भी लगाते हैं तो दस लाख रुपया पक्का कमा लोगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो एक करोड़ रुपए आप एक्सपर्ट्स को दे दीजिए बसंत सर जैसे एक्सपर्ट्स हैं उनको दीजिए आप और आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोग ये करते नहीं क्योंकि इसमें किक मिलता है मजा आता है थ्रिल है वो थ्रिल का बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी आजकल नहीं है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है अब तो फिल्टर करने की ज़रूरत है पोर्टफोलियो का लोगों को प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं कितना लेना है कोई में ज़्यादा वेटेज हो जाता है कोई में बहुत कम होता है मैं बोला ये क्या है आपका डेढ़ सौ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है जो अच्छा स्टॉक लगता है उसको तो आपने पचास हज़ार का भी नहीं ले रखा है पाँच हज़ार का मतलब एक परसेंट भी नहीं है और जो ख़राब स्टॉक है वो क्योंकि वो बिकता नहीं है वो फिर वो एवरेज करते करते उसका वेटेज दस परसेंट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें और इनडिरेक्ट इन्वेस्टिंग कीजिए वो म्यूचुअल फंड्स पी एम एस सॉरी यह सब की बात कर रहा था ई जो इंडिया में कम चलते हैं मतलब कैश मार्केट का एल्गो ई है हर स्ट्रैटेजी के ई चलते हैं यू में या अब्रॉड में इंडिया में बहुत कम है हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब ये क्वेश्चनर के बाद हम लोग बोलते हैं कि आपका गोल सेट कीजिए फिर आप स्किल्स क्या है आपके पास आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो आपका राइट right ब्रेन काम करता है या लेफ्ट ब्रेन काम करता है उसके हिसाब से आप घुसिए अगर आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है टेक्निकली आप साउंड हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस को जरूर सीखिए फंडामेंटल्स आपको आते हैं मैं तो आर्टिस्टिक आदमी हूँ तो वो कीजिए मैं रमेश धमानी जी के अंडर में दो महीना था तो वो बहुत ही एक अच्छी बात बोली उनके लिए इन्वेस्टिंग वॉज एन आर्ट बोले इट्स एन आर्ट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आप अननेसेसरली तुम लोग ये मैं कचरे स्टॉक्स में तब ट्रेडिंग करता था उनके सामने जाके बात कर ली इतने नाराज हो बोले आगे से मत आना मेरे ऑफिस में अगर ये स्टॉक्स में तुम आगे भी ट्रेडिंग करते रहोगे एंड लिटरली आई वेंट आउट ऑफ द मार्केट्स उनसे मिलने के बाद तो एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट किया नहीं वो बोले अच्छा तुमने फिर ये स्टॉक लिया कि नहीं मैं तो ले रहा था बोले नहीं सर वो भी नहीं फिर तो तुमको ये भी नहीं आता क्या करना है तभी तुमको टाइम है बहुत तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट है और फिर इमोशंस मेडिटेशन रियली हेल्प्स ब्रीदिंग मेडिटेशन ये सब चीज़ें करें 360 डिग्री अप्रोच मैं ये सबको समझाता हूँ मैं ये दो स्लाइड और फिर बाद में सारे फैमिली मेम्बर्स के ट्रेडिंग एंड डिमांड अकाउंट्स होने चाहिए सबके होते ही होंगे सब लोग नहीं करते जनरली जो कम लोग समझते हैं जो मेरे पास अच्छे पैसे वाले भी होते हैं और सैलरीड होते हैं क्योंकि आजकल तो सैलरीड वाले ज़्यादा पैसे वाले होते हैं जो एक एम में जॉब करता है तीन करोड़ चार करोड़ के पैकेज नॉर्मल हो गए एक घर में दो भाई है, एक करोड़ एक भाई दो करोड़ का पैकेज होगा डेढ़ का है, तो वो लोग एक बिजनेसमैन से ज़्यादा कमा रहे हैं कई लिस्टेड कंपनियों से ज़्यादा कमा रहे हैं फिर शुड डू एग्रेसिव प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन जैसे बाईबैक हो रहा है ओ एफ एस आ रहा है इनमें एग्रेसिवली करना चाहिए आजकल 10-10 लाख की एप्लीकेशन लगती है उसमें बढ़िया पैसा बनता है कैन हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियोज इन डिफरेंट अकाउंट्स कई बार आप अलग अलग स्ट्रैटेजी के मदर है तो मदर के अकाउंट में आप थोड़ा सेफर खेल सकते हो बच्चे का अकाउंट है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप खेल सकते हो खुद का तो आप एक अलग टाइप का तो सबकी स्ट्रैटेजी वाइज एक में सिर्फ एफ ही करना है इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है फिर बोला इसमें हो गया दस लाख रुपये का इनकम आ गया बंद करो दूसरी फाइल खोल लो ये कितने लोग करते हैं सर साल में आप सब करते हैं सर आप, आपको बुलाऊंगा मैं स्टेज तो मस्ट ओपन एच यू एफ अकाउंट ट्रेड इन कॉरपोरेट अकाउंट टैक्सेशन का आर्बिट्राज है ये थोड़ा सी लोग वो कुछ एन बी एफ सी का क्लॉज और ये सब लग जाता है बट अगर आपके पास दूसरे कंपनी में काम है और उसमें अगर आप ये करते हो तो कम इसमें लॉस भी लग जाता है तो उसका सेट ऑफ हो जाता है फिर पच्चीस परसेंट टैक्स लगता है तो हम लोग यहाँ पे कॉरपोरेट्स के भी खूब अकाउंट्स खुलते हैं फिर ओडी लिमिट लेना चाहिए अब ओडी लिमिट बोला लिवरेजिंग करके शेयर मार्केट में क्यों ओडी में कोई बुराई नहीं है क्या बुराई है आप लीजिए कई बार अपॉर्चुनिटी आती है तो बेस्ट है बिग केस स्टडी ये थ्री सिक्सटी डिग्री का एकदम हाँ गुड मतलब आपने मेरा वो अप्रूव कर दिया कि मैं सही बोल रहा हूँ ना जयपुर से आके इतना फ्लाइट का खर्चा होटल का खर्चा बहन किया आप लोगों ने तो तो फिर सिचुएशन आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ कैलकाटा में एक एनलिस्ट है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा स्पेशल सिचुएशन में बहुत दिग्गज हैं वो कभी उनको भी बुलाइए उनका भी सुनिएगा आप लोग बहुत अच्छे स्पीकर हैं मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे बट ही इज़ वेरी गुड फिर फुल फ्लेजेड टीम होनी चाहिए जहाँ फंडामेंटल एनालिस्ट टेक्निकल एनालिस्ट एक बैक ऑफिस का असिस्टेंट ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग दो चार पाँच करोड़ रुपए लेके बैठे हैं या करोड़ रुपए लेके बैठे और अच्छे से काम करना चाहते हैं मस्ट डू अ फॉर्मल कोर्स सारी चीज़ का कोर्स एक बार कर लेना चाहिए फंडामेंटल टेक्निकल ऑप्शन मैंने दो में लाइन से सारे कोर्स सारे सेमिनार जहाँ जाना हर जगह जाते थे लोग बोलते यार हर जगह तो मत मताए करो यार थोड़ा तो आप भी अपनी चेहरे का इज्जत रखो मतलब मेरे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे सीखना है जूनियर से सीखो सीनियर से जो सीखना जरूरी है तो उस टाइम पे एक बार वो सारी चीज़ें की फिर फंडामेंटल्स चार्ट पैटर्न्स ये सारी सीखना बीटीएसटी करवाते हैं न्यूज़ एंड रिजल्ट्स आर्बिट्राज जैसे भी एनएमडीसी में बहुत बड़ा आर्बिट्राज गया अभी है अब देखते हैं कैसे लिस्टिंग होती है फिर आपके कैश फ्यूचर्स का आर्बिट्राज करते ही होंगे आप लोग सेटलमेंट का आर्बिट्राज भी होता है स्पेशल सिचुएशन टाइम बहुत कम है सिक्स प्लीज इन फाइव मिनट्स ट्रेडिंग डायरी मेंटेन कीजिए मॉनिटर योर पोजिशन ये भी दिया मैंने प्रोसेस बेस्ड इन्वेस्टिंग ये मैंने ऐसे कैसे किया आप लोग वी नीड टू हैव अ प्रोसेस विच हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन ऑन स्टॉक सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग मेरे को ना शायद समय ज्यादा इसीलिए लग रहा है कि मैं इधर आ जाता हूँ <laughs> या तो मैं इससे बोलता हूँ क्योंकि hmm. मेरे अब गर्दन दुखने लग गई है पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट 80-20 रूल ऑफ लॉ पैरेटो ये इसमें भी अप्लाई करता है हम सब खाली रिसर्च सुनते रहते हैं मगर हम कोई भी रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग और रिस्क फंड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। करते हैं अब आजकल सब करते हैं सब पढ़े लिखे हम लोग सब करते हैं सर ने काफ़ी उसी के ऊपर बात बताई है वेल डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट रूल्स होने चाहिए फिर फंडामेंट ये ये हम लोग फॉलो करते हैं ये जो सारी चीज़ें ये मैं फॉलो करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस एनालिसिस आप लोगों से बेहतर कोई नहीं करता टेक्निकल एनालिसिस एंट्री इनटू कैश मार्केट स्टॉक्स आफ्टर दिस थ्री एनालिसिस जिसमें फिर एक ऑप्शन बैड स्ट्रेटेजी खेलते हैं हम लोग फंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है अस्सी परसेंट रोल एक अच्छा ट्रेडर अच्छे ट्रेड में भी लॉस करता है अच्छा ट्रेडर खराब ट्रेड में भी प्रॉफिट करता है और खराब ट्रेडर बेहतरीन से बेहतरीन बोला राकेश झुंझुनू बोला तो भी वो खो के जाएगा उसके अंदर अब तो बोल नहीं सकते बट जो भी मतलब एग्जाम्पल में फंडामेंटल एनालिसिस अब ये इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं ये आप लोग सब जानते हैं टॉप डाउन बॉटम डाउन ये सब ठीक है बॉटम अप ये थीम्स है थीम्स जानना बहुत जरूरी है जैसे कि आजकल पी एल आई न्यू जेन आई टी कंपनीज एक पुरानी टाइप की आई टी कंपनीज होती है और आजकल ये ए आई और ये सब जो काम करते हैं वो लोग एक अलग टाइप की कंपनीज़ है इंपोर्ट सब्सिट्यूशन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जैसे मेरे को सी डी एस एल मैन बोलते हैं मैं दो सौ रुपये से नवंबर दो हज़ार उन्नीस से सी डी एस एल रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सी डी एस एल का डीप्यू मुझे पता है कि क्या वो लोग की पोटेंशियल है सिर्फ दो सौ रुपया भाव था और वहाँ से कहाँ पहुँच गया और अभी भी इट्स अ गुड बाय तो ये अब ये ए AMC's में बहुत बड़ा डिसरप्शन आने वाला है ये जब से नवी और ये कई जो टेक जो आ गए हैं इन टेक से बहुत बड़ा डर के चलना चाहिए अब पॉलिसी बाजार ने सारे इंश्योरेंस एजेंट का तो खराब कर दिया काम मगर खुद भी बर्बाद हो रही है कि सॉफ्ट बैंक से फंडिंग लेके ये लोग ने कर दिया और आज भी क्वार्टर का 300 करोड़ रुपया खोती है तो वो नहीं लेना अपने को एग्री थीम बहुत बढ़िया लगता है एडियोटेक एडियोटेक में हालाँकि कंपनियाँ लिस्टिंग में अच्छा नहीं कर रही हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस देखना पीएसयू प्राइवेटाइजेशन अगेन फिर ये इंडस्ट्री एनालिसिस कंपनी एनालिसिस ये सब छोड़ते हैं अपन फंडामेंटल इंडिकेटर्स ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा हम लोग एक शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर देखते हैं प्रोमोटर्स का एफ आई आईज डी आई आईज एंड सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स अगर बसंत सर कोई में इन्वेस्टेड है तो आँख मिच के ले सकते हैं आपका अगर फंड क्योंकि चलिए पी एम एस का तो नाम आता नहीं है बट एबकस का नाम आ जाता तो एक वो ठीक है भाई सही लगता कि भाई है तो वैसे आप लोग ये ट्रेंड लाइन में मिल जाता है ट्रेंड लाइन डॉट कॉम बोल के वेबसाइट है उसमें सुपरस्टार इन्वेस्टर्स बोल के एक फीचर है बहुत जबरदस्त उसमें मिल जाता है उसको हर क्वार्टर आप ट्रैक कीजिए उसको एक्सलाइज कीजिए और देखिए आपको क्या नई नई आइडियाज मिलेगी मार्केट कैप बाय बिट्टा मार्केट कैप बाय नेट प्रॉफिट मेरे को कई बार कंपनी होती है ना ये अब जैसे 20 करोड़ रुपया 10 करोड़ कमा रही और 50 करोड़ की कंपनी है तो 20 परसेंट हो गया ब्याज में ला के भी उसको खरीदने की इच्छा रखूंगा तो मैं ये रेशियो को बहुत देखता हूँ एक कंपनी थी मैंने लिबर्टी फॉस्पिट्स बोल के दिया था मैं दो हज़ार में सौ करोड़ का मार्केट कैप पचास करोड़ का नेट प्रॉफिट बट वो नेट प्रॉफिट कैश में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सब्सिडीज में फंसा हुआ था और चूंकि उस कंपनी के बारे में जानता नहीं है क्योंकि मार्केट में क्या होता है सौ करोड़ की कंपनी का पचास करोड़ की कंपनी की बात नहीं करते है. वो कंपनी बाद में जिस दिन मैंने बात की उसकी पाँच दिन तक तो सर्किट नहीं खुला उसका और बाद में कोरामंडल ने उसको टेक ओवर भी किया एंड आई प्रेडिक्टेड दैट टाइम कि ये कंपनी क्यों नहीं लेगा कोई आदमी सौ करोड़ की कंपनी पचास करोड़ कमाने वाली तो वो उस टाइम पे कोरामंडल ने फिर उसको टेक ओवर किया एबिट्टा मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सब जानते हैं आप लोग करंट रेशियो बहुत देखता हूँ मैं फिर ये प्राइस टू अर्निंग सेल्स रेशियो ये प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है ना ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए है हमारे लिए तो पी मल्टीपल और मैं तो सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक देखता हूँ भाई कितना पैसे की चीज़ है कितने में मिल रही है पैग रेशियो है नेट फ्लो कैश फ्लो देखना दूध का दूध पानी का पानी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से होता है जो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है फिर ये सारी चीज़ें हैं फिर ये देखते हैं कैटेगराइजेशन जैसे सर ने बताया ना उस टाइम पे कि आदमी का पी मल्टीपल जो है कंपनी का कैसे होता है कोई एक्सट्रैक्टर है माइनिंग कर रहा है तो उसका एक अलग होगा कमोडिटीज़ वाली है मार्केटिंग में बड़ी ब्रांड है तो उसकी अलग पी मल्टीपल होगी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है तो अलग होगी आजकल ये डिक्सन टेक्नोलॉजी है या हिंदुस्तान फूड्स है ये कंपनियां क्या है ये लोग बड़े बड़े एमएनसीज़ के लिए सत्तर पिचहत्तर ब्रांड के लिए हिंदुस्तान फूड काम करती है तो वो अपने आप में एम से, से ज़्यादा पावरफुल हो गई वर्ल्ड इंडिया की सारी बड़ी ब्रांड्स को वो मैनुफैक्चर करता है मैं गोवा गया हुआ था मुझे उसकी फैक्ट्री दिखी मैं इस कंपनी को स्टडी करते हैं फिर एक सेमिनार में किसी ने उसके बारे में बात किया बोले तो गजब की कंपनी है फिर डेम्पो ग्रुप की कंपनी थी चार सौ में रिकमेंड किया था दो अगस्त में और आज एक बार भाव देखिएगा आप लोग क्या उसका दो हजार ही है क्या ज़्यादा हो गया तो ऊपर नीचे आ गया चलिए सर्विस बिजनेस का अपना अलग सा पी मल्टीपल होता है पोर्टर्स का फाइव फोर्सेस छोड़िए वॉरेन बफेट इन नटशेल छोड़िए ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग छोड़ते हैं पैरामीटर्स जो फंडामेंटल्स के बियॉन्ड ये सारी चीज़ें सर ने बता दी प्लेजिंग इज अ बिग नो मैं ये बता देता हूँ डेट्स बहुत कोशिश करते हैं जैसे कोरोना के टाइम पे मैंने एक भी डेट वाली कंपनी रेकमेंड नहीं की थी अगर उस जून 2020 से हम लोगों ने एस, एस पी एल मिड कैप स्टार्ट किया था जी बिजनेस पे फिर जुलाई 27 तारीख से जैन साहब के जेम्स सबसे पहला क्राइटेरिया था डेट्स नहीं होना चाहिए उसके बाद बात करेंगे उस समय अब डेट्स होना चाहिए कोई बात नहीं है क्योंकि डेट्स होगा इसका मतलब कैपेक्स कर रहा है इधर उधर नहीं जा रहा प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा है बस ये सब चीज़ें देखने की जरूरत है तो डेट्स इज नॉट अ बिग थिंग बट वो सेक्टर कौन सा है अगर एक आई कंपनी डेट्स ले रही है तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क बट एक टेक्सटाइल कंपनी डेट्स ले रही है तो अच्छी बात है कोई बात नहीं है बट टेक्सटाइल कंपनी अगर जीरो डेट है तो वो बहुत अच्छी बात है तो कई कंपनियाँ होती है अपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से वैसे करते हैं फिर ये ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अभी आप लोग सब लोग बोलेंगे सर कोई मल्टी बता दो मैं एक ही जवाब है मल्टीवेगर मिलते नहीं है बनाना पड़ता है आपका कन्विक्शन चाहिए छब्बीस की कैगेट डालनी पड़ती है उसमें तब बनते हैं मल्टी तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है दस मिनट का टेस्ट हर कंपनी को पढ़ने के पहले ये दस मिनट के पांच छह क्वेश्चन पूछता हूं कि ये कंपनी इसमें पास होती है क्या उसके बाद उसके अंदर डीप डाइव करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यही है सारी चीज़ें आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो आरपीटी आप लोग देखते ही हो मैनेजमेंट की सैलरी ग्रोथ सारे क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मैं डोंट टेक इट अदरवाइज बट बहुत देखते हैं इस चीज़ को पैरामीटर्स यह सब ठीक है ये ये मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा ये सौ रेशियोज का एक मैंने ना वो बनाया बुकलेट बनाया वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा इंपॉर्टेंट ये प्योत्रोस की स्कोर ये एक बहुत जबरदस्त स्कोर है इसमें सारी चीजें आ गई है आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेवरेज लिक्विडिटी सोर्स ऑफ फंड्स तो ये नौ तक का एक स्कोरिंग पैटर्न है इसमें पाँच छः के ऊपर होती है तो कंपनी को कंसिडर करते हैं इसमें सब कुछ आ गया रिसर्च करने की जरूरत नहीं कई बार ठीक है ज्यादा स्कोर है इसका मतलब यह नहीं कि अच्छी कंपनी है बट खराब स्कोर है तो डेफिनेटली कंपनी खराब है प्राइमरी पार्टिसिपेशन हो गई है एनिमल इन द स्टॉक मार्केट जंगल ये तो सारे बुल ही होंगे यहां पे और कौन क्या होगा वुल्फ है क्या यहां पे कोई वुल्फ मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है जो मतलब ऑपरेट करता है स्टॉक को इसमें ऑपरेटर लगा हुआ है तो कोई भी नहीं है शायद वुल्फ होगा तो भी कोई बताएगा नहीं बट <laughs> ए <But anyways, laughs> टेक्निकल एनालिसिस ये एक पेज में टेक्निकल एनालिसिस है देख लीजिए आप क्या सारे में बोले ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है ज़्यादा समझने की फिर उसके बाद ये हम तो छः इंट चीज़ें देख लेता हूँ मेरे को तो इससे ज़्यादा चाहिए नहीं सुपर ट्रेंड एनालिसिस फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये डेमास देख लेते हैं कई बार मार्केट बहुत खराब होता है तो हज़ार डेमा को देखता हूँ कि भाई हजार डेमा कहाँ पे है पाँच साल का एवरेज हो गया वो फिर जब मार्केट टूटे ही जा रहा था टूटे ही जा रहा था तो फिर क्या किया कि पहले फिर वीकली पे आ गए क्योंकि हज़ार डेमा को भी तोड़ दिया फिर चलो वीकली पे आते हैं फिर बाद में वीकली भी तोड़ दिया सारे तो फिर बोलते हैं कि अब चलो अब अपन मेमा पे जाते हैं मंथली एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज तो 100 मंथ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो चौहत्तर सौ ग्यारह था निफ्टी का वहां निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया था तो कहीं ना कहीं आपको वो आइडिया लगती है फिर क्या होता है वो ये जरूरी नहीं कि वो राइट right है बट आपको एक बेस मिल जाता आप एक छोटा सा जैसे होता है ना एक हाथ से अपन छू के देखते हैं पानी को छू के तो देखना ही चाहिए उस टाइम पर कि भाई यहाँ सपोर्ट ले एक बार देख लो स्टॉप लॉस लगा के काट दो दो चार बार स्टॉप लॉस लगाओगे तो आदत भी बनेगी स्टॉप लॉस लगाने की जो है नहीं अपने में <laughs> वीकली ऑप्शन करते हैं तो पंद्रह मिनट का चार्ट चार्टे टाइम फ्रेम्स हमने बना रखे हैं एक्सपोन ये सारी बता दिया वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट हाँ ये बुक बहुत अच्छी है ये ये सर आपने भी पढ़ी होगी सुपर इन्वेस्टर्स पढ़ी है आपने अमेजिंग मतलब वो अच्छे से एनालिसिस दिया हुआ हर आदमी की और 20 इन्वेस्टर जो टॉप के वर्ल्ड के लीवर मोड से लेकर जॉर्ज सोरोस और आ, मतलब आपके वॉरेन बफेट तो सब जानते हैं बेंजामिन ग्राम सब की और रेटिंग्स भी है उनकी क्या अच्छा अच्छाइयाँ थी क्या खराबियाँ थी एक बुक में सब मिल जाता है ये फंडामेंटल पैरामीटर्स ये देख लीजिए आप ये मिल जाएगा आपको इसके नाम से स्क्रीनर बनी हुई है ये जो है ये स्क्रीनर मैंने बनाया हुआ है इसके नाम से संदीप जैन स्क्रीनर सात आठ स्क्रीनर बनी हुई है और फेस टू फेस में ही मैंने बताया हुआ है ये स्क्रीनर आप लोग देख लीजिए आप लोग को आइडिया लग जाएगा मैं जेम्स क्या देने वाला हूँ पाँच दिन बाद ऐसा नहीं है बट <laughs> क्योंकि मेरे पास सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं सर आप लोग रिसर्च पैकेज भेजते हैं क्या अभी यहां आ रहा था तब भी भी बोला मैं सुबह वाला जो स्टॉक है वो सवा नौ बजे नहीं बताता <laughs> तो बोला अगर तुमको ही बताना होता तो सारा पैसा मैं ही लगा लेता <laughs> फिर ये टेक्निकल पैरामीटर से सातों पे खरा उतरने वाला स्टॉक लेते हैं कि वो आर भी ठीक हो उसका एमएससीडी भी हो अब नहीं मिलते हैं एक समय आता है मतलब बीच में जहां पर यह सारी चीजों पर खरा उतरता है फिर कॉन्सोलिडेशन भी देखते हैं फिर ये ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस ये एक बहुत जबरदस्त चीज है इसमें हम लोग एक फंडामेंटली स्टॉक्स का यूनिवर्स बनाते हैं एंड 20 से 25 जो पैरामीटर्स बनाए उससे फिल्टर करते हैं स्टॉक्स को फिर एंट्री एंड एग्जिट लेते हैं उसकी टेक्निकल एनालिसिस से जैसे वो आईटीसी का उस दिन अपन जब बात कर रहे थे लास्ट ईयर उसमें क्या था आईटीसी में दो सौ का सपोर्ट है और बुरे से बुरा 180 पे एकदम बढ़िया सपोर्ट ले रहा था कोरोना के दौरान भी 140 के नीचे नहीं गया था तो बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स है तो आप और प्लस विक्स अच्छी थी बढ़िया प्रीमियम मिल रहा है हर महीना हमने तो प्रैक्टिस बना ली कि भाई दो लाख का प्रीमियम हर महीना बेचना मस्त रहो उससे नीचे जाता कोई बात नहीं और नीचे गया तो खरीद लो उससे ज़्यादा क्या होगा चौदह पंद्रह के पी मल्टीपल पे आपको एक स्टॉक मिल रहा है और जो कि सर ने कहा कि पुराने जो गलतियाँ थी उनको शायद थोड़ी तो समझ में आई होगी इन दिनों में तो कुछ कुछ ये लोग ठीक कर ही रहे हैं और अब तो डिमर्जर हो जाएगा तो अलग ही बात हो जाएगी बट एनी आई डोंट नो अबाउट दैट तो हम लोग पुट से सेल करते हैं और कॉल फ्यूचर लिया तो कॉल बेचेंगे और पुट राइटिंग से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं अब जैसे मैं आज एग्जांपल्स लाया हूँ मतलब टिप लाया हूँ मैं तीन जो हम लोग बेच रहे हैं अभी जैसे कि इन्फोसिस है बाईबैग साढ़े अट्ठारह सौ का तो साढ़े चौदह सौ पंद्रह सौ का अच्छे से पुट बेचो कोई दिक्कत ही नहीं है टूटा हुआ भी है और बाय बैग भी साढ़े अट्ठारह सौ का तो कितना नीचे जाएगा मैनेजमेंट तो आएगा ही ना और इन्फोसिस वो आलतू फालतू प्रोमोटर नहीं है जो बातें करती है और भाव को लिफ्ट करने के लिए बाईबैक ला रही है उनका वो रेगुलर एक फीचर है हर साल का हाँ डिविडेंड नहीं देखे यूएस में तो बहुत ही कॉमन है ये चीज़ इंडिया में खाली ये पांच कंपनियां करती है ज़्यादा फिर ये ऐसा बीपीसीएल है जैसे क्रूड भी टूट गया सब कुछ हो गया जितना बुरा होना हो गया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जब आ रहा था तो हमने बीपीसीएल को खूब बेचा क्योंकि ये पता था सरकारी काम है डेढ़ साल दो साल लग जाएंगे चार सौ रुपये में स्टॉक खरीदने से अच्छा तीन सौ साठ के फुट बेच लो ये ये तरीका अपनाते हैं एक्शन जिसमें उसमें पुट राइटिंग से गेम खेलिए अगर नीचे आ गया खरीद लेंगे और तब तक अपने कॉस्टिंग कम हो जाएगी आपको दिख रहा है ना वी ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड इवेंट्स जैसे रिजल्ट का मंथ है इलेक्शन मंथ है बजट्स है इनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है इसमें एक दो महीने थोड़ी फरेज रखनी पड़ती है फिर ये इसमें स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है जो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम सपोज दो सौ रुपया था अगर आप ये स्टॉप लॉस लगा लो तो और बढ़िया है बट जनरली पुट राइटिंग वाले लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं बोले छोड़ो यार नीचे का उतना प्रीमियम का वो बेच लेंगे आगे की बढ़िया बोले थीटा तो खा लिया अब आगे गामा और डेल्टा सब खा लेंगे नेक्स्ट महीने का कर लेंगे इनको सब पता है सर <laughs> और ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए मतलब तो एक चीज है डॉक्यूमेंटेशन कोई भी नहीं करता है डेढ़ सौ दो सौ स्टॉक ले लेगा आज मैं तीन स्टॉक बताऊंगा आप ले लोगे डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन जो करेगा परपज ये मैंने रिलीजियसली देखा हुआ है मतलब हमारे यहाँ कुछ क्लाइंट्स हैं मतलब उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है वो तो टीवी पर नहीं आ रहे हैं बाकी वो जिस तरीके की नॉलेज रखते हैं और जिस तरीके की डिसिप्लिन रखते हैं वो तो टीवी तो देखते ही नहीं है दूर दूर तक और सारी चीज एकदम पूरे डिसिप्लिन से करते हैं एकदम मुनी महाराज की तरह जेनी मुनी महाराज होते हैं ना उतनी डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं तब वो पैसा कमा रहे हैं हाउ टू एग्जिट ये सर ये क्वेश्चन मैं सबको पूछता हूँ आपको भी पूछूंगा हाउ टू एग्जिट एंड वाई एग्जिट इज इम्पोर्टेंट भले वो राकेश झुंझुनवाला जिसे मेरा वन टू वन इतनी दूर से मैं इंटरव्यू ले रहा था उनका स्टेज पे नहीं था बट एम में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे और एमसीएक्स के हम लोग लीडिंग मेंबर्स थे तो पचास सौ जनों को ही बुलाया था तो बहुत जबरदस्त रारे से लेकर ये सारे क्वेश्चन फिर मैंने इनको विजय केडिया जी को रमेश धमान सबको लाइन से पूछता हूँ एक एक क्योंकि एग्जिट अभिमन्यु वाली स्ट्रैटेजी मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एग्जिट है मतलब खेला एग्जिट का एंट्री तो एक मिनट में ले लो मैं आज दस स्टॉक बताऊंगा कल सब लोग ले लोगे या फ्यूचर्स में एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश मार्केट में तो क्या होता है कई बार एग्जिट नहीं भी लेते हो तो चल जाता है क्योंकि आपका वो स्टॉक आगे पीछे दो क्वार्टर खराब है तीसरा क्वार्टर अच्छा हो जाएगा या कोई कंपनी एक साल दो साल बाद ठीक हो जाएगी अगर कंपनी अच्छी है फंडामेंटल्स अगर प्योरली खराब हो रहे कोई इंडस्ट्री में मैक्रो चेंज आ गया तो अलग बात है वो शॉट एनालिसिस करना जरूरी होता है फिर ये फंडामेंटल्स का देखिए क्या होता है टेक्निकल्स में तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट टाइम फ्रेम ये सब होता है बट फंडामेंटल्स में टारगेट्स अचीव होता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वहाँ पे सब लोग करते हैं फिर हो सकता है नीचे मिल जाए बट हो सकता है कि कई जो बड़े इन्वेस्टर है दिग्गज इन्वेस्टर डे नेवर सेल ओनली क्योंकि सर ने पेज इंडस्ट्रीज कितने सालों तक होल्ड किया मुझे पता है तो इट्स नॉट दैट आपके सामने में बोलने में मुझे थोड़ा डर तो थो लग रहा है बट एनी वेज स्टॉप लॉसेज अब फंडामेंटल्स में स्टॉप लॉसेज भी लगा देते हैं हम तो भाई क्योंकि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है देख के सब कुछ बढ़िया लग रहा है बुक्स में टेक्निकल्स में सब में इतना ब्यूटीफुली उसको इंजीनियर कर दिया देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है स्टॉक बट फिर भी वो टूट रहा है तो इसका मतलब कोई फंडामेंटल खराब होने वाला है और कई चीज़ें अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एंटिल अनलेस वी आर एन इनसाइडर और इंसाइंडर आप आठ हज़ार कंपनी के या पंद्रह ये सौ कंपनी के नहीं हो सकते आप दो चार कंपनी हो सकते हैं बट इसीलिए लोग बाग कम स्टॉक्स और कम नंबर्स और ज़्यादा रिसर्च स्टॉक में काम करते हैं <laughs> फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉजेस बेटर अपॉर्चुनिटी कई बार होता है कि भाई आज यार बेच देते हैं माल इससे अच्छा मैं एक बार प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ अभी प्रॉपर्टी ठीक लग रही है या कोई वहाँ पर आर्बिट्राज मिल रहा हो चेंज इन फंडामेंटल्स कोई मेजर चेंज आ गया हो बोला ओपीएम्स में बहुत फर्क पड़ गया कोई सब्सिट्यूट आ गया तो बेच के भी निकल सकते हैं फिर चेंज इन मैनेजमेंट अदर पैरामीटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉरपोरेट गवर्नेंस चेंज इन ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स एंड वैलुएशंस चलिए जवाई की तरह स्टॉक चुनना चाहिए ये तो एकदम क्लियर है मेरा फिक्स डायलॉग है या हर बार देता हूं मैं पिछली बार भी दिया था मैंने जैसे जवाई को चुनते हैं जवाई देखिए मुकेश अंबानी जी से लेकर टैक्सी वाला रिक्शा वाला सब बेस्ट चुनते हैं अपने हिसाब से पूरी ताकत लगा के चुनते हैं दो मिनट बस बहुत जल्दी जल्दी कर दिया अब इतना तो दस मिनट तो देना पड़ेगा इतनी दूर से आए हैं तो।, <laughs> तो ये सारी चीज़ें देखिए इंसान सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी में करता है और एक्चुअली में अगर ऐसी रिसर्च करने लग जाए तो बहुत मज़ा आएगा और करते हैं मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरे पैरामीटर्स पे सारे में खरा उतरना पड़ेगा कि प्रोमोटर अच्छा पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए लड़का ठीक कर रहा है एग्जीक्यूशन बढ़िया काम कर रहा है सैलरी कमा रहा है कैश फ्लो बढ़िया सारी चीजें देखिए से एक ऐसी कंपनी थी मैंने 23 सितंबर 2020 में दिया था केस स्टडी एक सौ चालीस रुपये पे बिलीमी गजब की डायनामिक मैनेजमेंट थी देखा उनको कोई सेमिनार में सुना था टाई में आए थे कहीं पे सुन के मजा और टाई में मैंने दो प्रोमोटर्स को सुना उसके बाद मैंने बिग नो कर दिया आप कई लोग लेते हैं उसको उस स्टॉक को मैं नाम बता देता हूँ आपको क्विक हिल मैं उसके प्रोमोटर को देख के बोला मैं यार ये स्टॉक तो नहीं लूँगा भले ही रमेश कई लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने उसको रेकमेंड किया हुआ है भले ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब नहीं लेना अपने को मेरे को मैनेजमेंट सुन के ही मजा नहीं आया मैं नहीं ले सकता और ये इनको सुन के मजा आया उनका सी एफ ओ बहुत जबरदस्त क्लैरिटी थी तेरह के पी मल्टीपल ये स्टॉक को दिया मैंने चार पाँच दिन तक वो कंपनी सर्किट पर थी पाँच परसेंट का ही था सर्किट फिर उसका चार्ट पे भी देखिए आप मतलब एक सौ चौवन रुपये से लेकर कहाँ गया ये 25 सितंबर 5 मार्च को वापस एक कई बार मार्केट टूटता तब तो नीचे आ जाता है फिर दो सौ इक्यावन अट्ठाईस में दो क्या हुआ एस एम सेगमेंट में आया था एस से बी में आया बी से एनएससी में आया वो माइग्रेशन के टाइम पे अपन ने इसको कैप्चर किया तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि स्टॉक की माइग्रेशन को ट्रैक करते रहिए क्योंकि दो साल मिनिमम आपको एसएमई में रहना पड़ता है दो साल किसका कंप्लीट हो रहा है वो देखिए एस के आईपीओ में लगाता नहीं हूं मैं मगर एस के स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं तो उससे आपको आइडियाज मिलेगी फिर चार रुपया चार रुपया अप्रैल वापस से आठ ये ये है मतलब और ये सारे टेक्निकल्स देखिए पॉजिटिव अब ऑल सुपर ट्रेंड पॉजिटिव एमएससीडी आरएसआई एस ये सब पे खरा उतरा हुआ था फिर टूटा टूटेगा क्योंकि आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं फिर आज अब मैं अगर बात करूं ये चार नवंबर की है चार नवंबर को मेरा ईओ का नाम सुना आप लोगों ने आंथर पर नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन आपने भी तो, वहां पे मेरा एक स्पीच था इसी के ऊपर था उसमें मतलब मेंबरशिप लेने के लिए बीस लाख रुपया साल का देना पड़ता है पहला ज्वाइनिंग फी और पाँच लाख रुपया फीस है साल की और सौ करोड़ की मिनिमम नेटवर्थ होनी पड़ती है तब तो मेंबरशिप आती है वहां पर यह प्रेजेंटेशन दिया था मैंने अभी रिसेंटली तब उस दिन ये चार नवंबर को इसका पाँच सौ सैंतीस रुपये भाव था तब होल्ड दिया था अब पांच है अब यह ऑलमोस्ट अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आ गया बट सुपर ट्रेंड में नीचे है। खरीदना नहीं है बट इट्स अ गुड होल्ड ऑप्शन बैक स्ट्रेटेजीज ये सब आटा नमक कॉम्बो में आप लोग करते ही हैं डिस्टेंस सर आप करते ही हैं पूरा ये ऐसा पोर्टफोलियो मैंने अभी देखिए बात कर रहा था इन्फी का बीपीसीएल मारुति एंड एचडीएफसी बैंक अब एचडीएफसी बैंक में भी कॉर्पोरेट एक्शन तो है ही है मर्जर है सब कुछ है एच से ज़्यादा मुझे लगता है कि एच बैंक को ज़्यादा फायदा होगा इसमें क्योंकि एच में वो जो अनलॉकिंग वाली बेनिफिट्स है वो सारी खत्म हो गई इन में बाईबैक है बी ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है डाउन लगता नहीं है मारुति बहुत बढ़िया लगता है। मुझे तो लोग टाटा मोटर्स भले कितना ही कहें मारुति मारुति रहेगी इंडिया में कि गांव में जाते हैं तब पता चलता मारुति क्या है मैं जिस शहर से हूँ नलबाड़ी बोल के एक शहर है असम में मैं जब था तो हमारे हमारे घर में दो गाड़ियाँ थी और टोटल पांच गाड़ी थी शहर में और आज वो एक एक कोने में एक एक करते करते कम से कम भी पचास हजार मारुति कार्य हो गए दूसरी ब्रांड अलग है तो इस तरीके की ग्रोथ है रूरल इंडिया में भारत की ग्रोथ फिर ये कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रेटेजी जो आई दिया ये सब हो गया खत्म ये सिस्टमेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने शुरू में एग्जाम्पल दे दिया ये इसका कैगर देखिए जुलाई 2016 से 18 से हम लोगों ने मतलब खुद भी करने लगे थोड़ा रिसर्च चल रही थी और ये कैगर इसका पच्चीस बाइस पॉइंट छियानबे आ रहा है मैक्सिमम ड्रॉडाउन थर्टीन पॉइंट फोर फोर इस तरीके का इसमें वो हुआ था इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लानर हमने वेबसाइट पे दे रखा है एक परसेंट से ज्यादा अगर आप ट्रेडर है एक परसेंट से ज्यादा रिस्क एक पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं लेना तो नहीं लेना ये एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल बनाना पड़ता सीबीओ विक्स देखिए आप अस्सी गया था और अब है तेरह चौदह पे ये तो सीबीओ अपना इंडिया की बात करते हैं अपन तेरह चौदह तो अब क्या ऑप्शन राइटिंग में मजा नहीं आ रहा है सर क्या हो गया जूस खत्म हो गया पूरा है अभी भी ठीक है चलिए ठीक है <laughs> आ निकल रहा अब ये मेरे पिक्स ऑफ द सेमिनार है कैप्लिन पॉइंट सेक्सॉफ्ट एंड स्वराज इंजेंस लिख लीजिए सर 721 पे रेकमेंड किया 800 ये सब छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिए कि आप मुझे याद करो जुलाई में और नेक्स्ट नवंबर में और अगर नहीं चले तो गाली भी दीजिएगा प्लीज बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एकदम सस्ते पी मल्टीपल्स पे है मैं इसका कैप्लिन पॉइंट का लिख रहा था कहाँ गया वो कागज ए, एक ही लिख पाया मैं बट मैं फंडामेंटल्स एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज समय नहीं है कैपलिन पॉइंट देखिए सत्रह के पी मल्टीपल पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उनतीस परसेंट जीरो डेट कंपनी सेल्स की कैगर पच्चीस टका प्रॉफिट की कैगर बीस टका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तीस परसेंट टू गुड टू बिलीव सर प्रोमोटर जबरदस्त आठ सौ अट्ठासी से सात सौ इकसठ पे मिल रहा है क्योंकि फार्मा चल नहीं रहा है चार हजार से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है लैटिन अमेरिका और छोटी कंट्रीज में काम करती है कंपनी सतहत्तर करोड़ का लास्ट सेप्टेंबर में पैड था बिरानबे करोड़ सेप्टेंबर दो में पैट है इस तरीके के फंडामेंटल्स है और हाइएस्ट एवर क्वार्टरली पैट दिया है और टी टी एम बेसिस में भी हाइएस्ट एवर तो वो कंपनी मैंने दिया अब ये नहीं चले तो मुझे नहीं पता फिर क्या चलेगा हाँ फार्मा चलेगा तो ये जरूर चलेगा इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स सैक्सॉफ्ट अगेन आई टी कंपनी मैंने रिसेंटली जेम्स में दिया था और ये कंपनी में क्या फादर पहले दूसरे काम करता था फिर बेटा आया वो आई टी एंगल लेके अमेरिका से पढ़ के तो उसने स्टार्ट किया और सैक्सॉफ्ट गजब की कंपनी अगेन बहुत ही सस्ती पी मल्टीपल वाली मुझे सैक्सॉफ्ट जैसी एक कंपनी खड़ी करनी है मेरी लाइफ में देट इज़ माई गोल क्योंकि मेरा बेटे को भी मैं वही कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आई टी पढ़ने जा रहा है यूएस मोला आओ फिर मैं इधर उधर के धंधे सब बंद करके तुम्हारे साथ इसमें ही लग जाऊँगा जॉब करूँगा स्वराज स्वराज इंजन मैंने रिसेंटली दिया था और ये बहुत चला भी था रीज़न था कि कॉर्पोरेट एक्शन था बहुत बड़ा महिंद्रा ने पूरा ले लिया महिंद्रा और किर्लॉस्कर का इसमें जॉइंट शेयर होल्डिंग थी और किर्लॉस्कर निकल गया था किर्लॉस्कर ग्रुप की क्या उनके फैमिली इश्यूज की वजह से किर्लॉस्कर और छाबड़िया ग्रुप ये दोनों के स्टॉक्स को पी मल्टीपल नहीं मिल रहा है डिस्पाइट बिंग हैविंग सच अ स्ट्रांग ब्रांड इक्विटी किर्लॉस्कर तो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल है पहला अगर जो भी वो क्या बोलते हैं लेथ मशीन बनाई थी तो किर्लॉस्कर इंडस्ट्रीज ने बनाई थी तो वो निकल गया इससे और ये प्योरली महिंद्रा की कंपनी है और इसके अगर फंडामेंटल्स देख लोगे आप स्क्रीनर डॉट इन देखिए इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आई थिंक पचास परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ऐसा एक जीरो डेड कंपनी सो इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक उन्नीस से करेक्टेड हुआ हुआ है तो इस स्टॉक को लीजिए अट्ठारह के टारगेट के लिए खत्म हेल्थ पे ध्यान दें वेल्थ पे दे बिकॉज हेल्थ का जो वेल्थ है ना वो वेल्थ के हेल्थ से बेटर होता है लाइफ को हैप्पीनेस लर्निंग बीस पेज डेली पढ़े मेरे से बुक तो पढ़ा नहीं जाता है, मगर बीस पेज न्यूज पेपर का पढ़ लेता हूँ रोज अब बुक्स का हो गया क्योंकि शादी ब्याह तीन एस लग गए उसमें सोशल फंक्शंस सोशलाइजिंग एंड सोशल मीडिया इनमें बिजी रहते हैं और लास्ट सेमिनार्स में बिजी रहते हैं तो पढ़ाई होती नहीं आस बट एनी जो भी है जर्नल लिखना ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ये सब सब ठीक है स्पेंड लेसर मनी देन यू मेक सेव द डिफरेंस एंड बाय अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड बी पेशेंट आदमी गरीब रह ही नहीं सकता अगर ये कर ले तो थैंक यू सो मच फॉर बींग अ ग्रेट ऑडियंस स्वस्थ रहें व्यस्त रहें मस्त रहें अच्छा डिस्क्लेमर देना भूल गया स्मोकिंग इज इंजोरियस टू योर हेल्थ स्पेकुलेशन इज इंज्योरियस टू योर वेल्थ और जो भी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किया जितनी मैंने बातें की है जितने एग्जाम्पल्स दिए है इट इज सेफ टू एज्यूम देट हमने हमारे क्लाइंट्स और मैंने दूसरे सेमिनार में दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उसको रेकमेंड या बताया हुआ हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है थैंक यू सॉरी नहीं मेरी नहीं है मेरी इंडिविजुअल शेयर अकाउंट में तो नहीं है थैंक यू सर से चल फ्रेंड्स uh, जिस तरह सारे ग्रंथों का सार गीता में है और वो ये है कर्मण्य व अधिकार है उस तरह आज के सेमिनार का सार ये है इंसान हो या निप्टी जाना तो ऊपर ही है विद दिस रिक्वेस्ट एवरीबडी पुट्स टूगेदर फॉर बोथ द स्पीकर फ्रॉम मुंबई एंड जयपुर रिक्वेस्ट अनिल आचार्य जी टू काइंडली कम फॉरवर्ड टू ऑफर ए मेमेंटो ऑन बिहाफ ऑफ बी आई पी स्टडी सर्कल एंड ऑल ऑफ़ अस टू बसंत महेश्वरी सर फॉलोड बाय बजरंग जी विथ ए मेमेंटो टू संदीप जी प्लीज रिक्वेस्ट एवरी वन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर थैंक यू